वंदे मातरम प्यारे साथियों, मैं आपके लिए जीव विज्ञान का ब्रह्मास्त्र लेके आया हूँ। 1100 प्लस क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए। मैं कह नहीं रहा हूँ, ये पूरा सीरीज देख लेते तो आपको जीव विज्ञान के क्वेश्चन करने की एक ज़बरदस्त क्षमता आ जाएगी। आपको लगेगा चलिए जीव विज्ञान ही पेपर में ज़्यादा आ जाए और मैं जो है सफलतापूर्वक कर ले जाऊँगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की शानदार जानदार धमाकेदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। हो चुका आगाज, लड़का जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। चलते हैं, फर्स्ट देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का पहला ही कितना जबरदस्त क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है। जैविक सेवन क्या है? तो जैविक सेवन आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे ये है कृत्रिम हृदय जो है, क्या है? जैविक सेवन है। नेक्स्ट है पित्त का रंग कैसा होता? तो हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। पित्त कहाँ पर स्रावित होता है? तो बताओगे पित्त यकृत में से निकलता है, लेकिन जमा कहाँ होता? तो बताओगे पित्ताशय में जमा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो आप बताओगे विटामिन ए जो है कहाँ पर जमा रहता है? तो बताओगे विटामिन ए जो है यकृत में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो बताओगे 7.7। बहुत फास्ट या भयंकर स्पीड वाली श्रृंखला होगी, तो दिल थाम के बैठना है, इधर उधर चकमकाका नहीं है, नहीं तो तुरंत 10-20 क्वेश्चन आपके सामने से निकल जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। काइको माइको कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और देखो काइको माइको आज के लिए, काइको माइको आपने गाना सुना होता है, तो वहाँ पर काइको माइको कहते कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी तो सवाल का आपको याद ही हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आप क्या बताएंगे? छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? स्टार्च अंतिम रूप में क्या बनता है? तो बताओगे माल्टोज बनता है। फूल गोभी का क्या खाते हैं? तो बताओ पुष्प क्रम ही खाते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या? तो आप बताओगे डीएनए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जबकि पौधों के नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो बताओ नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। डीएनए की खोज किया था किसने? तो बताओ वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए की खोज किया था। या डबल हेलिक्स मॉडल का भी किसने प्रस्तुत किया? तो बताओ वाटसन एंड क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जबकि मधुमेह रोग किसके कारण से होता? तो बताओ इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बताओ बिली बैंटिंग एवं बेस्ट ने जो है किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है, तो अब बताओगे अग्नाशय द्वारा बनता है। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट आप बता दो, ईस्ट या खमीर ये क्या कवक होते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। हैजा के रोगियों की खोज किसने किया था? तो बताओ हैजा के रोग की खोज किसने किया था? आप बताओगे रॉबर्ट कोच ने जो है हैजा रोग की खोज किया था। गाजर का नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। जबकि नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन रंजक पाया जाता है? तो कैरेटीन पाया जाता है, जिसके कारण से देखो मृत कोशिकाएं जितनी होती है उसमें सभी में कैरेटीन पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? तो आप कहते हो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की हानि होती है, यानी नमक की हानि हो जाती है जब निर्जलीकरण होता है। जैसे जब पेट बार बार दो नंबर जाते रहते हैं, पानी की तरह लैट्रिन निकलता है, उसी को कहते हैं निर्जलीकरण, बस और कुछ नहीं है। डिहाइड्रेशन जिसे डॉक्टर कहते हैं। गोल कृमि एक मानव परजीवी है, क्षुद्रांत में किस छोटी क्षुद्रांत में होता है? छोटी आंत में पाया जाता है। टोनिया सोलियम परजीवी के रूप में कहाँ पाया जाता? तो आप क्या बताओगे आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा के रोगाणुओं की तो हो चुका, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, ये क्वेश्चन तो सब रिपीट हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है टीनिया सोलियम फीता कर्मी परजीवी के रूप में कहाँ पर पाया जाता है? तो आप बताओगे आंत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो आप बताओगे ग्लाइकोजन के रूप में, जो ग्लूकोज किस रूप में या ग्लाइकोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो बताओगे ग्लाइकोजन के रूप में। जब फिर हमको भूख लगती है, हम खाना नहीं खाए रहते हैं, तो हमको ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमको क्या मिलता है? फिर दे देता है, ऊर्जा देता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन से? दूध में आप जानते हो लैक्टोज। जब भी आप और कौन सी दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक है? तो बताओ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो बताओ कायिक कोशिकाएं जो इसमें होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। देखिए मानव नेत्र किसके भांति कार्य करता? तो आप बताओगे उत्तल लेंस की भांति। मानव नेत्र किसके? तो आप बताओ उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो ड्राइवर के बगल में शीशा लगा होता है स्पष्ट दृश्य देखने के लिए, उसमें भी उत्तल लेंस ही लगा होता है। उत्तल लेंस
आपको ध्यान रखना, उत्तल दर्पण उसमें लगाता है, लेंस नहीं, दर्पण आपको याद रखना है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो पता है निर्वात में, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, इसको याद रखना है आपको। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने, तो आप बताओ वाल्टेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 या 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से, किससे, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से किसका गुणसूत्र का निर्माण। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होते हैं, आपको बता दूं जिसको याद ना होगा तो स्क्रीन शॉट ले लें, और स्क्रीन शॉट नहीं तो आप लिख लेते हैं तो चीज़ें और याद हो जाती है, आपको परमानेंट होने लगती हैं। टमाटर का लाल रंग किसका, तो आप बताओ लाल से लाल, लाल से लाइकोपिन कह सकते हैं। हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन के कारण होता है। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है, तना। तना वाली चीज़ें जिनको भी आप क्या हो जमीन में गाड़ दें, वो जम आए यानी उसमें अंकुर निकल आए या पौधा बन जाए, वो सभी तना वाले। जैसे अदरक आपको जमीन में गाड़ते हो अदरक जमाता है, आलू जम, प्याज, प्याज को भी जमीन गाड़ो वो भी जमाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगी, तना वाली। जिनको जमीन में खोद के गाड़ने से वो सड़ जाएँ, जैसे मूली और गाजर को जमीन में गाड़ने पर सड़ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, तो आप बताओगे वो किस प्रकार की फसल, तो बताओगे आप वो जड़ हैं। अर्धसूत्री विभाजन किसमें, लिंगी जनन, लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है, तो बताओ कि लार में एमाइलेज पाया जाता है। घेघा गलगंड किसकी कमी से होता है, तो बताओ आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी से बेरी वेरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, वह कौन सी विटामिन, वह कौन सा है जो विटामिन बी ट्वेल्व की एक घटक है, तो कोबाल्ट जो है विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को भंग करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ऐसे कह सकते हैं। और पेप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, तो बताओगे पौधों से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इंसुलिन में मौजूद ट्रस धातु होती है, तो आप बताओ इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप बताओ ट्रस धातु, जस्ता पाई जाती है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, तो स्कर्वी आप बताओगे चमड़े में होता है, किसमें, चमड़े या चर्म या स्किन कह सकते हैं, स्किन रोग जो होता है स्कर्वी रोग होता है। किस सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाले विटामिन है, तो बताओ विटामिन डी जो है किसी भी सब्जी से नहीं, केवल साग से, किससे मिलता है, तो बताओ पालक के साग में, वैसे धूप से मिलता है। चलते हैं, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा, तो बताओ रेनिन एंजाइम है। रेनिन क्या करता है, दूध से दही में, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया सहायक है, तो बताओ कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम क्या होते हैं, तो बताओ कि प्रोटीन है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लार ग्रंथियां जो है डाइस्टेज एंजाइम की क्या है, स्रोत है। इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप देख लेते हैं तो आपकी बायोलॉजी की समस्या पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगी। और ये रिवीजन फास्ट रिवीजन की बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त सेशन है, तो इसलिए क्या करें हम वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ऐसे ही धमाकेदार शानदार जानदार वीडियो आपको मिलते रहें। चलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे 29 होती है, कितनी 29 होती है। चलते हैं, उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है जबकि किसी मांसाहारी पदार्थ में नहीं पाया जाता। वसा में घुलनशील कौन सा है, तो कैलिसीफेराल, कैरोटीन और टोकोफेराल। कैसे, अब ऐसे ना याद कीजिए, आप कीड़ा याद कीजिए, KEDA, ये सब वसा में घुलनशील होते। के से क्या हो जाएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सभी जो है वसा में घुलनशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चों में सबसे आदर्श भोजन क्या है, तो माँ का दूध जो होता है। आरएनए डीएनए क्या है, तो किस प्रकार के अम्ल होते हैं, तो आप बताओगे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध का पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है, गंध सुगंध का पहचान, तो बताओ सेरिब्रम द्वारा होता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, यूरिया अधिकतम मात्रा में क्या होता है, तो बताओ मूत्र में होता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन क्रिया का निर्माण होता है, तो आप बताओगे श्वसन क्रिया के निर्माण के दौरान क्या होता है, तो आप बताओगे ऊर्जा निकलती, क्या मिलती है हमको, ऊर्जा मिलता है। श्वसन में शर्करा का होना क्या कहता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, तो बताओ ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन आप बताओगे फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एस्पिरिन का प्राप्त किससे बनते हैं, तो बताओगे बैक्टीरिया से बनते हैं। डिहाइड्रेशन पर आता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के कारण से होता है। चलते हैं,
कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी के कारण कुपोषण होता है। नेक्स्ट है बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास को अवरुद्ध हो जाता है किसके, थायरॉक्सिन की कमी से, जो बच्चों में मानसिक और शारीरिक वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो बताओ आरएनए जो है प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। चलते हैं, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण आती है, तो बताओ कि बुढ़ापा जो थायमस ग्रंथि, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है उसमें थायमस ग्रंथि जो होती है लुप्त हो जाती है। लैक्रिमल ग्रंथि किस में होती है, तो बताओ कि आंसू के कारण से होती है। आप कहते हो जैसे कोई कहो पापा से कि मेरे लिए ले आओ, ना लाए तुरंत आंसू बहाने लगते हो, तो ले आओ लैक्रिमल और आंसू। आप कुछ भी करके आप को रिलेट किसी चीज़ से क्वेश्चन को कर लेते तो आप चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं। और मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को एक बार ना देखिए, 2 से 3 बार देखिएगा, बायोलॉजी की समस्या आपकी खत्म होने वाली है। प्रोटीन बना है किससे, तो बताओ एमिनो एसिड को, केवल कितने एमिनो एसिड, तो 20 एमिनो एसिड होते हैं टोटल। चलते हैं, और 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल, मतलब एसेंशियल में तो 10 हमारे लिए जरूरी होते हैं, 10 हमारा शरीर खुद बनाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बालछय या मरासमक रोग जो होता है कुपोषण का परिणाम होता है। प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं, रक्त उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो रक्त का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। मनुष्य शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है पाया जाता है। जोड़ों में मूत्र अम्ल क्रिस्टल जमा होने से कौन सा रोग पैदा होता है, तो बताओ गठिया या गाउट रोग पैदा होता है, मूत्र में जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तब चलते हैं, सर्वदाता लक समूह कौन सा होता है, ओ, और सर्वग्राही कौन सा है, तो आप बताओ ए बी। आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती, पॉलीसाइथीमिया बन जाता है। आरबीसी बढ़ जाती है तो पॉलीसाइथीमिया की स्थिति बनती है। वर्णांता में कौन सी आदमी लाल हरा में पहचान, लाल तथा हरा में पहचान नहीं करता। ईसीजी किससे, तो बताओ मस्तिष्क से। हृदय की धड़कन को लगभग 0.8 सेकेंड लगता है एक हृदय के धड़कन में, क्योंकि 72 मिनट में 72 बार धड़कता। सर्वग्राही कौन सा, तो ए भी है। रक्त स्तन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन के, विटामिन के का क्या होता है, तो बताओगे विटामिन के का रासायनिक नाम, तो आप बताओगे कैल्सीफेराल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु में बीसीजी का टीका जो है जन्म लेने के बाद तत्काल बाद तुरंत, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने, सीएन क्रिश्चियन ब्रांड ने किया था। मानव त्वचा का रंग कैसा, किसके कारण, तो मेलानिन के कारण से होता है। जो सांवला व्यक्ति होता है जिसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, यानी वो ज़्यादा काले होते हैं, उनको त्वचा कैंसर होने की संभावना मिनिमम होती है। चलते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो बताओ कि एड्रेनल ग्रंथि जो होता है, इसे लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है, तो बताओ थ्रॉम्बिन, यहाँ आम्बिन की जगह थ्रॉम्बिन होता तो ज़्यादा करेक्ट होता। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा, तो बताओ स्फिग्नोमैनोमीटर है रक्ताभि, इसे बीपी वाली मशीन कहते हैं, साफ साफ कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने पर कौन सा अंग काम नहीं करता, तो आप क्या बताएंगे, वृक्क जो है काम नहीं करता। हृदय का काम क्या है, रुधिर का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। प्यार वार से हृदय का या दिल का कोई लेना देना ही नहीं है, आप जान लीजिए। हृदय का या दिल का काम क्या है, तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना क्या है, हृदय का काम है, ये आप जान लीजिए। या कहते हैं रक्त के पंप करने काम है, अभी तक आप भ्रम में जी रहे थे। रक्त का कार्य क्या है, दिल को धड़काना किसी लड़की को देखकर या किसी लड़के को देखकर, तो ये सब आपका भ्रम था। मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण में, किसे, हृदय आवरण में बंद होता है। देखिए नेक्स्ट है, कालाजार ज्वर का संरक्षण किस तरह, सिकता मक्खी के काटने से होता है। मानव रक्त में मानव लाल किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। वस्पित में हृदय प्रति मिनट होती है 70 से 80 बार। माया महाधमनी चाप किस में दिखा है, तो बताओ अस्तन पाइयों में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता, तो बताओ कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनालफेज फैलता है, इसकी खोज किसने किया, तो बताओ रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया एनालफेज की खोज किसने किया, तो रोग की खोज आप बना रोनाल्ड रॉस ने किया था। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, टंडन कहा जाता है। क्या, टंडन, या इसी को हिंदी में कंडरा कहा जाता है। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता, तो बताओ टेंडन। लेकिन हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता, तो बताओ लिगामेंट जोड़ता है। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, याद ना हो तो जरूर याद लिख लें आप। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, बताओ थ्रॉम्बिन। यहाँ पर थ्रॉम्बिन, हर जगह रोम्बिन ही लिखा था, लेकिन थ्रॉम्बिन समझे, थ्रॉम्बिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, तो आप बताओ कि इसे कार्डियक अरेस्ट करता है कहा जाता है। आधुनिक स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती, तो बताओ मोनोसाइट्स होती हैं। अक्लदाढ़ क्या होती, तीसरी दाढ़ क्या कहलाती है, अक्लदाढ़ कहलाती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो बताओ 206 अस्थियां होती हैं, बच्चों में 300 होती हैं लगभग। कान में कितनी हड्डियां, तो बताओगे 6, 3 दाएं और 3 बाएं होती हैं। मिलनस इनकस स्टबीज, मानव कशेरुकाओं की कुल संख्या बताओगे 33 होती हैं। बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं किसके कारण से, तो विटामिन डी की कमी से। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, तो आप बताओगे जबड़े की अस्थि जो है सबसे प्रबल अस्थि होती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी, तो बताओगे जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी, उसे बोलते हैं फीमर या उरु अस्थि कहा जाता है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत में के रूप में बदलता है, तो दूसरा कृदंतक होता है। लॉक जा किस बीमारी का दूसरा नाम, तो टिटनेस का नाम जो है लॉक जा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 109 क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं लगभग 15 मिनट में ही। दांतों के अध्ययन संबंधित है क्या, दांतो ओडंटो क्या कहोगे, दंतो ओडंटो याद करो, दंतो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहां पर पाई जाती है, सपाट अस्थियां बताओ खोपड़ी में पाई जाती हैं। ऑस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट बताएं हड्डी कभी देखो, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोसाइट कहां, तो बताओ हड्डी में। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है, तो पटेला है, ये पैर में पाया जाता है, जानविका या पटेला कहा जाता है। मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियाँ कितनी आप बताओगे 206 होती हैं, बच्चों में 300 लगभग प्लस होती हैं। दांत हड्डियाँ किसकी बनी होती है, तो बताओ कैल्शियम तथा फास्फेट की बनी होती हैं। 3 से 4 साल के बच्चे, दूध वाले बच्चे शामिल नहीं होते, अग्रचर्वण बच्चों में या प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमोलर किसमें बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, प्रीमोलर या अग्रचर्वण नहीं पाया जाता है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या, कौन सा बीमारी होता है, तो गठिया या गाउट इसे को कहा जाता है। एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है, जब समवृत्ति अवयव होते हैं, कीट पर क्या होता है, तो सर उनका समवृत्ति यानी समान अवयव उसमें पाए जाते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे होती, कीट में कितना होना चाहिए, 3 जोड़ी टांग होने आवश्यक है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन शक्ति पाई जाती, मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम लेकिन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है पुनर्जन की, यानी सबसे रिपेयरिंग पावर किसमें पाई जाती, तो बताओ लीवर में सबसे अधिक। लीवर डेली दारू पीते हो, डेली गड़बड़ होता है, डेली सही हो जाता है। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है मध्यावस्था में, किसमें मध्यावस्था में किया जाता है। चोंच किससे बनी होती है, चोंच जबड़ा ही होता है, जो पक्षियों का चोंच जबड़ा ही होता है। दांतों की कठोर इनेमल परत किससे कैल्शियम तथा फास्फेट के बने होते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती, तो आप बताओगे 700 या 639 करेक्ट होता है। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। देखिए ऐसे ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जरूर याद ना हो उनको लिखें जरूर कॉपी, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको बार बार रिपीट करते रहें। घोड़े और खच्चे के पैदावार को जान, संकर प्रजाति कौन सी, तो संकर प्रजाति खच्चर जो है घोड़ा और गधा को मिलाकर खच्चर बनाया जाता है। जीन शब्द किसने दिया, तो बताओगे जासे जीन जासे जोहनसन आप याद कर सकते हैं, जासे जीन जासे जोहनसन। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था, तो यूजीन स्नैक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, यूजीन स्नैक ने जो करा पहली बार क्लोरीन क्लोनित भेड़ कौन थी, यानी क्लोन के द्वारा बनाया गया था। कृत्रिम रूप से आप बताओगे डॉली भेड़ थी। जॉन क्रेगर मंडल यानी क्रेगर मंडल प्रसिद्ध है, अनुवांशिकता का जनक कौन माना जाता, तो जॉन क्रेगर मंडल ने इन्हों मटर पौधे पर जो है प्रयोग किया था। हीमोफीलिया क्या होती है, एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं रहता है। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, ये क्या थी, तो आप बताओगे भेड़ थी। बीटी कपास, बीटी क्या है, तो कपास की एक बीज है। एलोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एलोसोम कहलाते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया जाता है, किया था किसने, वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। आबादी में जीनों का संग्रह को क्या कहा जाता है, तो जीन पूल कहा जाता है। जीनों के संग्रह को जीन पूल गुणसूत्र में होते हैं, तो आप बताओगे डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अनुवांशिक या जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो आप बताओगे बेटसन ने। किसने जेनेटिक शब्द किसने दिया, जेनेटिक से अनुवांशिकता शब्द क्या बताओगे, वाटसन ने। बेटसन की जगह वाटसन होना चाहिए था। अनुलेखन कार्य किसका है, अनुलेखन मतलब फोटोकॉपी करना किसका कार्य है, तो बताओ डीएनए का काम क्या है, अनुलेखन या फोटोकॉपी करना। न्यूक्लियस डीएनए कहाँ पर मिलता है, तो आप बताओगे माइटोकांड्रिया में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। प्यारे साथियों वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले
और वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कर्तव्य बनता है कि छोटा सा लाइक कर दें। आपको केवल टच ही करना है और आपका ना तो इसमें पैसा लगना है और सब्सक्राइब करने, लाइक करने या शेयर करने किसी में भी पैसा नहीं लगना है। यदि आपको इसका लाभ मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। हम आपकी ज़िंदगी भर के लिए आभारी रहेंगे। चलते हैं जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमण के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है रिकैल्सियांत्र कहलाता है। चलते हैं, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो एपिस्टेसिस कहलाता है। इस घटना को क्या कहलाते हैं? जब एक युग्म अन्य इकाई को के प्रभाव को छिपाता है तो क्या कहलाता है? एपिस्टेसिस कहलाता था। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से करते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण को वाणिज्यिक प्रयोग? प्यूपा से ही जो है वाणिज्यिक प्रयोग किया था, प्यूपा का ही खरीद बिक्री होता है। स्वादन से आशय क्या है? तो आप स्वाद है, स्वादन से आशय क्या है? स्वाद से है। चलते हैं, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो बताओ फूल की कली से प्राप्त होता है। देखिए कितना जबरदस्त। हसीस पौधे से प्राप्त की जाने, या बताइए कि वह पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? तो बताए तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्वास्त्र से प्राप्त होता है। वाटर टैंकों का शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? तो बताओ कॉपर सल्फेट है, वाटर टैंकों से नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का हरे पौधे अवशोषण करते हैं। चलते हैं, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? पके हुए अंगूर में फ्रक्टोज पाया जाता है। आर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो पक्षी के होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त गैस कौन सी? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो अब ऑक्साइड। और कौन से रात में पौधे कौन सी गैस का ग्रहण करते हैं? तो होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? बताओ पराग कोष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कि कोबाल्ट सेवन का प्रयोग, कोबाल्ट सिस्ट्री का प्रयोग जो होता है कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो यू नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। देखिए एक एक मलेरिया की दवा कोनाइन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित? तो बताओ अतिसार से संबंधित, या पेट जलने वाली बीमारी जिसे क्या बोलते हैं? पेचिस, अतिसार ही पेचिस। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किससे संबंधित? तो बताओ आँख से संबंधित है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग होता, डिप्थीरिया कहाँ पर होता? बताओ गला से। एथलीट फूट, तो बताओ फंगस से होने वाली बीमारी है एथलीट फूट। एचआईवी की जांच के लिए होता है, तो आप बताओ एलिजा टेस्ट होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एचआईवी से होने वाला रोग कौन सा? तो एचआईवी से होने वाला रोग का तो बताओ एड्स होता है। प्याज का खाने वाला गुद्देदार जो पत्ते होते हैं उन्हीं को हम खाते हैं। आभासी फल क्या है? सेब है। आभासी फल क्या होता है? तो बताओ सेब है। यूरियोटोलिक सेल प्लाज्मा में झिल्ली किसकी बनी होती है? तो बताओ फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यूरियोटिक सेल में प्लाज्मा किसकी? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया था? तो आप बताओगे क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? डॉक्टर किसने बर्नार्ड ने पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण किया था। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। इगुलिना को हम क्या कहते हैं? तो बताओगे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। पुरुषों की नसबंदी बैस्कोटॉमी जबकि महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता। अब कैसे याद करोगे? महिलाओं का क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता, तो आप ट्यूब से क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टॉमी। और पुरुष के उस नस को बोलते हैं बायस नस कहा जाता, बायस नर्व कहा जाता, तो बायसेक्टॉमी आप कह सकते हो, वही नस काट दिया। डायनासोर किस युग के थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण किस घटक से होता है? तो आप बताओ फ्रक्टोज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है एटीपी के निर्माण का घटक क्या है? तो आप बताओगे फ्रक्टोज होता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं कहाँ से? तो आप बताओगे आंसू से। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद आप बताओगे माल्टोज होता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हो? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो आप बताओ आर्थ्रोपोडा जो है मानव जगत के सबसे बड़ा संघ है। चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे शुतुरमुर्ग है।
सेलुलर तथा मोलिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है, तो आप बताओगे हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताओगे डेमोग्राफी कहलाता है। चलते हैं, भारत में पहली बार हृदय का सफल परीक्षण, तो आप क्या बताओ हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय किसे जाता है, तो बताओगे डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने किया था, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी आप बताओ जोसेफ लिस्टर ने जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी किया था। मछलियों में श्वसन होता है किसके द्वारा, तो बताओ गिल्स के द्वारा जो होता है। मछली का लीवर भरपूर, लीवर में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। अच्छा, मृदुकवची क्या चीज़ होता है, ऑक्टोपस क्या होता है, मृदुकवची होता है, मतलब उसका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है ऑक्टोपस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यफल क्या होता, सत्यफल का उत्पन्न किससे होता, तो बताओ अंडाशय से होता है। सत्यफल कहाँ से, तो उनकी उत्पत्ति अंडाशय, जबकि असत्य फल का किससे होता, तो बताओ बीजांड से। दोनों को याद करना, अभी देखो सेब क्या है, तो सेब जो है असत्य फल है क्योंकि उसकी उत्पत्ति बीजांड से होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या बताओगे, सेरेब्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्जाइमर रोग का मनुष्य के शरीर में कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, व्यक्ति भूल जाता है अल्जाइमर में। गोबर पे उगने वाले पौधा क्या होता है, लिथोफाइट्स कहलाते हैं। चलते हैं, सभी हार्मोन क्या, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित, सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, तो आप बताओगे हार्मोन करता है। सभी हार्मोन क्या होते हैं, तो आप बताओगे प्रोटीन होते हैं। यूरिया उर्वरक के नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो एमाइड के रूप में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो पेप्सिन एंजाइम से होता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृक्ष की अधिकतम हानि कैसे होती है, तो बताएं उसकी छाल के नाश होने से जो है उसकी हानि होती है। प्याज का खाद्य भाग क्या है, तो बताओ तना है। नर मच्छर पौधे का रस पीते हैं, अभी बात हो चुकी, तो मादा मच्छर क्या है, उसे चूसी हैं, चूसती है, वो पीते हैं चूसती, दोनों में अंतर है। नर मच्छर क्या होता है, पौधे का रस पीता है और ये चूसती हैं। पौधे के किस भाग में हल्दी, तो बताओ हल्दी तना, अदरक तना, ये सबको आपको याद कर रखना है प्यारे साथियों। बहुत जल्द ही देखिए बहुत कम समय में हम 200 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। पादप के मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया के अवशोषित किया जाता है, तो क्या कहलाती है, उसे बोलते हैं परासरण कहलाता है। यानी आप तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बताओ तंबाकू में क्या होता है, निकोटिन होता है। चलते हैं, कुनैन किसका अपना, तो बताओ सिनकोना के छाल से। सेलुलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है, पौधे की जो सेल होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। फलों में मीठा फासे, फल फासे फ्रक्टोज, फलों का मीठा स्वाद किसके, फ्रक्टोज के कारण से होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक, तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। चलते हैं, जंतु परागकण का आशय क्या है, तो जंतु द्वारा जो है परागकण ही जंतु परागकण कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुरकुमिन यहाँ लिखना था, कुरकुमिन किससे पृथक किया जाता है, करक्यूमिन किससे पृथक, आप बताओगे हल्दी से करक्यूमिन। हल्दी में क्या पाया था, कुरकुमिन के कारण जो है पीला होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कहता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र का कार्य क्या है, तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी कम हो जाना क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष का उदाहरण है। दूरदृष्टि क्या है, उत्तल लेंस का, दूरदृष्टि में किसका प्रयोग करते, तो बताओगे उत्तल लेंस का प्रयोग। देखिए उत्तल भी छोटा है और दूर भी छोटा है, और अवतल भी थोड़ा बड़ा है अक्षर में, तो निकट दृष्टि दोष भी बड़ा है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, क्या है आप बताओगे जहरीला, टॉक्सिन मतलब ही जहरीला पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान देव 98.6 फारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन होता है। इन तीनों को आपको याद करके रखना प्यारे साथियों। अस्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद, प्रकंद उदाहरण किसके हैं, तो बताओगे आलू, प्याज, अदरक व हल्दी, इन सभी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है अमरूद का खाने योग्य भाग क्या है, तो बताओ फल भित्ति जो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, 213 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। यदि आप थक गए थोड़ा सा पानी वानी पी के फिर से बैठिए, लेकिन वीडियो बंद नहीं करना है, क्योंकि संघर्ष करोगे तभी आप सरकारी ठप्पा लगवा पाओगे, मेहनत करोगे पसीना बहाओगे तभी आप सरकारी ठप्पा लगवा पाओगे, अन्यथा भटकते रह जाओगे। YouTube पे बहुत वीडियोज पड़े हैं, बहुत से सारे चैनल हैं, लेकिन उल्टा सीधा पता चल एक घंटे में 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे में 1100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप दिल थाम के बैठिए, दिल दिमाग केवल वीडियो की तरफ होना चाहिए,
पानी खाना पीना हो तो केवल वीडियो रोक के, लेकिन वीडियो बंद नहीं करना है आपको। चलते हैं, 213 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आम पपीता और बेर खाने का भाग क्या है? तो आप बताओ कि मध्य फल भित्ति है। मलेरिया रोग किसको, तो प्लीहा या दिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो बताओ कि मादा एनोफिलीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो मलेरिया रोग का वाहक है। चलते हैं, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो मतलब परागकण के द्वारा जो है, परागण के द्वारा जो है करते हैं। अंतः शोषण प्रक्रिया क्या होती है? तो बता अवशोषण प्रक्रिया होती, प्रक्रिया नहीं तो होता अवशोषण में। पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है? तो आप बताओ कि मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथ कौन सी, तो पिट्यूटरी ग्रंथ क्या है? तो बताओ मास्टर ग्रंथ है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? तो आप बताओ कि पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथ है। जीव जंतु के विज्ञान, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बताओगे अरस्तु है। तो कहते जा अरस्तु जा, कैसे याद करोगे जा अरस्तु, यानी जहाँ जा लगा होते हैं। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है? तो आप बताओगे अरस्तु ही है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन? तो बताओ हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन यदि कहा जाए आयुर्वेद का जनक, तो आप बताओगे चरक को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताओ लाइमार्क तथा ट्रेबेनियस ने। ये कहाँ थे तो आप बताओ, ये फ्रांस के थे और दूसरे जर्मनी के थे। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जान मेंडल को माना जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर जो है अपना रिसर्च किया था। नेक्स्ट है, जीन में अवस्थित होते हैं तो आप क्या बताओगे? गुणसूत्र जीन, जीन कहाँ पर होते हैं? तो बताओ गुणसूत्रों में होते हैं। जीन के जनक कौन है? तो जीन का शब्द किसने दिया? तो बताओ जोहानसन ने दिया। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में होता है। किस रूप में पौधों को कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो झाड़ी से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं, बहुभ्रणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? सिट्रस है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ के संग्रह कहाँ से होता है? तो पत्तियों में होता है। खाद्य का कहाँ? तो बताओ पत्तियों में। जठरस पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक, कौन सा अम्ल पाया जाता है जठरस में? तो बताओगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन परस्पर सहजीवी हैं तो आप बताओगे कवक तथा शैवाल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो आप बताओगे लाइकेन का निर्माण करते हैं कवक तथा शैवाल। देखिए नेक्स्ट है कि डुबोलकार द्वारा द्वार कोशिकाओं किसमें होती? तो बताओगे गेहूं में होती हैं। चलते हैं, गुदेदार थैलेमस किसके खाने योग्य भाग है? तो बताओगे सेब के। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बताओगे मुख से। मुख में किस चीज़ का पाचन होता है? तो बताओगे मुख में पाचन किसका होता है? तो स्टार्च का पाचन कहाँ पर? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कैप्सूल की खोल किसकी बनी होती है? तो आप बताओगे कैप्सूल की खोल स्टार्च की बनी होती है। चावल में स्टार्च पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है? तो बताओ छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। रक्त समूह होते ए बी और ए बी ओ होता है। रक्त प्रसर्जन की खोज लैंडस्टीनर तथा बीनर ने किया था। सर्वदाता कौन? तो ए। सर्वग्राही कौन है? तो आप बताओगे ए बी होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बताओ सेलुलोज। जो पौधों की कोशिका भित्ति किसकी? तो बताओ सेलुलोज की, और शैवालों को भी सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लाइवेनहॉक ने। चलते हैं, और जीवाणु के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जबकि वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो बताओ त्वचा है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो ऊतकों का अध्ययन बोलते हैं हिस्टोलॉजी कहा जाता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहलाती है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त किसमें किया जाता है? तो बताओ फफूंदी से। पायरिया बीमारी किससे में होती है? तो बताओ मसूड़ी में होती है। पर एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख की रेटिना का कार्य क्या है? तो बताओ कैमरे में फिल्म की सतह की तरह जो है कार्य करता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो कैल्पीट्रोजन से। कृषि शास्त्र किसको उन्नत के लिए जाना जाता है? तो पौधे तथा पशुओं के उन्नत के लिए जाना था। रक्त का अध्ययन क्या कराता है? हिमेटोलॉजी। हमारे शरीर में रक्त कितने परसेंट होता है? हमारे शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो आप बताओगे लोहा। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लेटलेट की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो बताओ प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा है? तो प्लेटलेट जो है रक्त का। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है? तो आप यहाँ पर बताओगे रक्त में प्लाज्मा लगभग 90% पाया जाता है। यहाँ पर 60% लगा है, 90% तक प्लाज्मा पाया जाता है। चलते हैं, रक्त का तरल भाग होता है तो बताओगे तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक है? तो बताओ विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। सॉलिड वेस्ट की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो स्लज के नाम से जाना। सॉलिड वेस्ट होते हैं यानी कि जैसे कि तो कूड़ा कहते हैं उसे स्लज के नाम से जाना था सॉलिड। एस्परजिलस लैंगिक जनन अंग कौन सा है? तो बताओ
तो आप बताओ कि पुंधानी और एस्कोधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ आती है, तो बताओ कि पानी में। चलते हैं पौधे में जाइलम की उपस्थिति के कारण, देखो जा से जाइलम, जा से जल का वहन किसके द्वारा होता है पौधों में, तो जाइलम के द्वारा। जबकि फूड का, तो फ्लोएम का, फा से फूड, फा से फ्लोएम, पौधे फूड किसे ग्रहण करते हैं, तो फ्लोएम के द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है, तो बताओ हरा प्रकाश सबसे, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम प्रभावी है, तो सबसे अधिक कौन है, तो बताओ लाल है। चलते हैं मेंडल ने अपने किस प्रयोग में चयन किया था, किसका, तो बताओ कि मटर के पौधे को चयन किया था। आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन था, या जेनेटिक्स का, तो बताओ कि डब्ल्यू वाटसन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या होता, तो बताओ मैग्नीशियम। मानव मूत्र से बी और सी निकल जाता है विटामिन। मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण से होता है। हृदय कितने कोष्ठ होते हैं मानव के हृदय में, बताओ कि चार। मछलियों में तीन, मेढक में भी तीन होते हैं। मेढक में देखिए तीन बात हुई है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताओगे ऑक्सीजन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य शरीर में जल होता है कितना परसेंट, तो आप बताओगे 65 से 80% जल होता है। कितना, 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होना चाहिए, तो लगभग मनुष्य शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना, तो 10% होना चाहिए। चलते हैं मानव शरीर में जल की, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80/180 मिमी HG या पारा कह सकते हो। मानव सामान्य रक्त शुगर शर्करा का स्तर क्या होता है, तो 80 से 90 मिली डेसी के आसपास होता है। अरक्तता किसके कमी के कारण से होता है, तो फोलिक एसिड के कारण से होता है। रुधिर, मानव रुधिर का पीएच मान बताओ 7.4 होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो बताओ कि जीन जो है डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो आप बताओ कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया, तो आप बताओगे हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्ध करने के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट की जाती है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो XY और XX होता है। चलते हैं पुरुष में XY होता है, महिलाओं में XX होता है। लड़का किससे, किसके, तो 22+Y, Y जब मिलेगा पिता का गुणसूत्र, तो तभी बच्चा पैदा होगा। आप जानते हैं पूरी तरह से लड़का पैदा होने में पुरुष का ही आता है, स्त्री का इसमें 1% हाथ नहीं होता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र स्त्री में नहीं पाया जाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र के XY द्वारा होता है। देखिए बात यहाँ पर, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाती, तो हृदय की गति को, गतिविधि को। मानव शरीर में रक्त का पर्याप्त आपूर्ति को क्या बोलते हैं, इस्कीमिया, क्या बोलते हैं, इस्कीमिया। रक्त के प्रतिबंधक पदार्थ कौन सा है, तो बताओ हिपेरिन जो है रक्त प्रतिबंधक पदार्थ है। कणिकाओं या कार्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताओगे सीरम कहा जाता है, क्या, सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या, तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। चलते हैं दिल की फुसफुसाहट मरमर की को क्या कहा जाता है, दोषपूर्ण कपाट वाल्व कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा किस होती है, अधिकतर मात्रा किसकी होती है, ग्लूकोज में। मधुमेह रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिया जाने वाला एक उत्पादन का नाम है जेस्पार्ट्स है, इसको किस वर्ग में रखा गया है, तो इसे एल्कोलाइट्स के रूप में रखा गया है। ये ऐसे क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली बताओ लाइसोसोम। अच्छा ये बताओ लाश का मंता जब व्यक्ति आत्महत्या कर ले, तो ऐसे करके याद कर लाश, और आत्महत्या करोगे तो लाश बन जाओगे। लाइसोसोम की खोज किसने किया, और ये आत्महत्या कर दिए तो डे डूबे तो डे डूबे कब हुई, तो 1949 में हुई थी। प्रोटीन की फैक्ट्री आप बताओ कि राइबोसोम को फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन की। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बताओ राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। रुधिर क्या है, तरल संयोजी ऊतक, क्या है, तो बताओ कि तरल संयोजी ऊतक है। चलते हैं मलेरिया किसके द्वारा व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से फैलता है, तो बताओ कि एनाफिलेज मच्छर के द्वारा फैलता है। जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द दिया था आपके जोहनसन साहब ने जो था जीन शब्द दिया था। एक जीन एक एंजाइम जो था दिया था बीटल एवं टाइटन ने दिया था। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, तो आप बताओगे प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप बताओगे एक प्रकार का प्रोटीन है। सबसे बड़ा स्वेत्र यानी WBC कौन सा है, तो एक केंद्र है मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा जो है WBC है, या एक केंद्रकांड को इसे कहते हैं हिंदी में। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर में शर्करा के स्तर को क्या करता है नियंत्रित, या शुगर के स्तर को नियंत्रित कौन करता है, तो बताओगे
इंसुलिन करता है। इंसुलिन बनाने में कौन सी धातु सहायक होता है, तो जस्ता नामक धातु सहायक है। हाइपरटेंशन शब्द के लिए किसके लिए, रक्तचाप में बढ़ने के कारण हाइपरटेंशन, जबकि घटने को बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या, रुधिर के निम्न शर्करा स्तर को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। जब शर्करा के स्तर कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। पुरानी और नष्ट प्राय आरबीसी कणिकाएं कहाँ नष्ट होती, तो अब तक प्लीहा को जो है कब्रगाह इसीलिए कहा जाता है, प्लीहा को स्प्लीन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है, तो अब तक 100 से 120 दिन। सार्स का सेवेरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। हीमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बुद्धिमान मानव होता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा, तो एड्रेनल हार्मोन को जीवन रक्षक, इसे लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिकों का अध्ययन क्या बोलते हैं, तो आर्निथोलॉजी कहा जाता है। पैसा तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हो तो आपकी जीव विज्ञान की समस्या खत्म होने वाली है। देखिए कितने कम समय में हमने 300 क्वेश्चन पार कर लिया है। अब आप पानी वगैरह पी के फिर से स्टार्ट कीजिए, लेकिन वीडियो बंद नहीं करना, रोकना अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन बंद नहीं करना, आपको वीडियो पूरा देख के ही उठना है। पानी वगैरह पी लीजिए, कुछ भी खाना हो खा लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद ही उठिए। ऐसे करके 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपकी जीव विज्ञान की समस्या खत्म होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। अंतरंग अंगों का अध्ययन क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी कहलाती है। नींद ना आने के लिए डॉक्टरी शब्द क्या है, तो बताओ इंसोमनिया कहलाता है उसे। मधुमक्खी के पालन को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, एपीकल्चर। गाय के दूध का पीला रंग आप बताओ कैरोटीन के। मानव जात में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन जनजातीय औषधि से संबंधित है, तो किस समुदाय के स्वास्थ्य को सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन है, तो आप बताओ कि शिशु मृत्यु दर जो है। चलते हैं, विश्व के सबसे लंबा पौधा कौन सा, तो बताओ यूकेलिप्टिस है। चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के किससे द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो परमाणु विस्फोटों को रोककर विद्युत वाहन विनिर्मित करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, 323 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है, तो अब बताओ कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौच घरों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित मल को माना जाता है क्या, स्वच्छता अपशिष्ट मल माना जाता है। जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रिसाव ट्रिकलिंग फिल्टर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है, संकट ग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक से दर्शाया जाता है, तो बताओ लाल रंग की डेटा बुक से दर्शाया जाता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके अधीन जीव का संरक्षण किया जाता है, तो बताओ शाही। चलते हैं, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो आप बताओगे रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन था, बताएं मुर्गी दाना जो है सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। जीव उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बताएं पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट या खेती न करना छोड़ देने को क्या कहते हैं, तो बताओ परती छोड़ना कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली क्या है, तो बताओ द्विपद प्रणाली के किसने दिया था, तो बताओ कैरोलस लिनियस ने जो था द्विनाम पद्धति शुरुआत किया था। चलते हैं, सूक्ष्म जीव किस्म का संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है, तो बताओ कि चंडीगढ़ में स्थित है। चलते हैं, ये चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसके संबंध और व्यवहार का सदस्यों को चेतावनी देता है कि हाँ आ जाओ मैं इधर से जा रहा हूँ। चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषकों की उपस्थिति सामान्यतः पीपीएम व्यक्त किया जाता है, पीपीएम पार्ट पर मिलियन इसका अर्थ होता है। कृषि भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है, तो कच्चे माल की आपूर्ति करा के श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा, तो मेलानिन जो है मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो बताओ एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। चलते हैं, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो बताओ 120 दिन होता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है, बताओ धमनियों की। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह रुधिर नेक्स्ट है,
वह रुधिर वाहिका कौन सी जो जिगर को ऑक्सीजन रहित ले जाती है, ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती, मतलब ऑक्सीजन मिला तो ये कृत धमनी जो है ऑक्सीजन जनित रुधिर को जो है ले जाती है हृदय को। देखिए अंग ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, तो आप बताओगे यकृत जो है ऐसा कार्य करता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा और रज्जुकी में भी पाया जाता है, तो ईल मछली। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में से कौन सा अणु होता है, तो साइटोक्रोम होता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है, तो बताओगे महाधमनी में जाता है। बाएं तरफ से संकुचन होता है बताओगे महाधमनी। दिल का दौरा किसके कारण से होता है, तो हृदय के रक्त की आपूर्ति के लिए, आपूर्ति की कमी जब हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताओगे बढ़ेगा। चलते प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सी प्रारंभ होती है, तो बताए रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाओं में। चलते हैं, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन से प्रेरित करता है, वह क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं एंटीजन कहलाता है, प्रतिजन कहलाता है। चलते हैं, कोशिकाओं के तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, तो हमको ग्लूकोज लेना चाहिए, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में कौन सा है, तो ग्लूकोज। देखो डॉक्टर कभी भी जाओ तो तुरंत ग्लूकोज ही लगाता है, पहले तुम्हारे शरीर में जान आ जाए तब हम अच्छे से दवा करें तो ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि शरीर में दम ही नहीं है तो दवा करेंगे दवा इफेक्टिव नहीं होगी। एमिनो एसिड का आवश्यकता किसके संश्लेषण से होता है, तो आप क्या बताओगे प्रोटीन के संश्लेषण से होता है। चलते हैं, खाली उदर की संश्लेषमल स्तर पाए जाते हैं वलन क्या कहलाता है, तो बताओ रुगई। चलते हैं, विटामिन सी को किस भाग से जाना जाता है, तो विटामिन सी को किस नाम से रासायनिक नाम क्या, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है किस। चलते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग किसके, बताओ कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु से। रानी खेत बीमारी किससे होता है, तो बताओ मुर्गियों में वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में ब्लड कितना 40 फारेनहाइट पर रखा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ बीमारी किससे होती है, तो बताओ वायरस से या विषाणु से होती है। दो वंशानुगत रोग कौन है, तो बताओ वडांता तथा हीमो। देखिए बहुत फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, 1100 क्वेश्चन, यदि हम बहुत स्लो चलेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी इस लंबी वीडियो को नहीं देख पाएंगे, ये 4-5 घंटे की हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको कम से कम में कन्वर्ट कराऊंगा। बस आपका एक दायित्व बनेगा इस वीडियो को 2-3 बार यदि आप देख लेते हैं हफ्ते 10 दिन में, तो आपकी समस्या जीव विज्ञान वाली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब बात होती है दो वंशानुगत रोग कौन से हैं, तो बताओगे वर्णांता तथा हीमोफीलिया। वर्णांता क्या होती है, इसमें लाल हरा की पहचान नहीं। हीमोफीलिया क्या होती है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। सर्वप्रथम मनुष्य के वर्णांतता का वर्णन किया था, तो बताओ हेरनर ने किया था 1876 में। चलते हैं, एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने के लिए क्षमता नहीं होती किसका, हरा लाल की बात हो चुकी है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो बताओ थायराइड ग्रंथ में होती है। अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 10, ये 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो बताओ प्रोटीन से होता है ऊतक का निर्माण। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व तो कौन सा, तो बताओ कैल्शियम और फास्फोरस है। पत्तियों का रंग हरा रंग किसके, तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण से पत्तियों का हरा रंग होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण से होता है, तो बताओ कैरोटीन के कारण जो होता है पीला होता है। दूध का रंग पीला, तो बताओगे तब भी कैरोटीन। पर्ण हरित या क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति, तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में जो है क्लोरोफिल बनता है। पेड़ पौधे खाना तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा। चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम आप बताओगे टाइलिन जो है लार में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें, टीबिया टासी टांग आप कह सकते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो आप बताओगे उंगलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक कौन था, एंजाइम जो है भोजन पचाने में सहायक है। एंजाइम की रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है किसमें, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया
प्रोटीन किसमें बदलता है तो होता अमीनो अम्ल। कितने अमीनो अम्ल तो होता है 20 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन निकलता है किससे तो बताओ जल से, उपचयन द्वारा जो होता है याद को रखना है आपको। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है, वही रक्त जमने से हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो आप बताओगे हिपैरिन कहाँ से उत्पादित होता है तो बताओगे यकृत या लीवर से कह सकते हो। रक्त का थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया नामक एक आनुवंशिक बीमारी है। प्रोटीन क्या है तो प्रोटीन किससे बचते हैं तो बताए प्रोटीएस से बचते हैं। एंजाइम की गतिविधि किससे परिवर्तन या नियंत्रित होती है तो बताओगे पीएच से नियंत्रित होती है। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है तो बताए ग्राउंड नट आयल में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या तो बताओ राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है तो बताओ गाजर में पाया जाता है। आरएच फैक्टर की खोज संबंधित किससे है तो बताओगे रक्त से है। चलते हैं आरएच फैक्टर की खोज किसने किया तो आप बताओगे लैंड स्टीनर तथा बीनर ने किया था। सर्वप्रथम रक्त प्रसंस्करण तंत्र की अध्ययन किसने किया तो विलियम हार्वे ने किया था। चलते हैं शरीर के हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त धमनी क्या कहलाती है तो बताए सिरा कहलाती है। शरीर से रक्त की तरफ जो ले जाती है उसे और जो रक्त जो हृदय से शरीर की तरफ ले जाती है उसे बोलते हैं वेंस या नस कहा जाता है या वेंस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय के धड़कन का नियंत्रण कौन करता है तो बताओ पेस मेकर करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है तो बताओ किडनी या वृक्क करता है रक्त को। रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है तो एड्रेनल ग्रंथि जो होती है। रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है तो बताओ कि डायलिसिस कहलाती है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा स्फिग्नोमैनोमीटर या बीपी वाली मशीन जिसे कहते हो। मानव गुर्दे बनने वाली पथरी क्या होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। मूत्र का निर्माण किससे होता है तो बताओ किडनी से होता है और रक्त भी यही छनता है। वृक्क का भार कितना लगभग 150 ग्राम होता है। पायसीकरण वसा को छोटी छोटी भागों में गोलिकाओं में भंजित करना ही क्या कहलाता है पायसीकरण कहलाता है। चलते हैं 400 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम सब जल्दी ही। नेक्स्ट साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये हमारे कर्मानुकंचन को बढ़ाते हैं। कर्मानुकंचन एक पाचन की क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट है तंतु आहार में शामिल है कौन सा तो बताओगे सेलुलोज जो है तंतु आहार में। नाइट्रोजनी आहार क्या है तो बताओगे प्रोटीन में मुख्य अवयव क्या है तो बताओ नाइट्रोजन है। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए किसका तो ज्वरहर या पैरासीटामॉल का या ज्वरनाशी का प्रयोग करते हैं। मुख से निकली लार को पाचन किसमें सहायक तो बताओ स्टार्च या मंड किस। विटामिन की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है तो बताओ लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुषों में कौन सा तो अरक्ता नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 409 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत क्या है तो आप बताओ वसा जो है हमारे शरीर के लिए प्रमुख स्रोत है। ब्रोंकाइटिस क्या है श्वास नली की एक प्रकार की बीमारी है। पेप्सिन का उदाहरण क्या एंजाइम क्या होते हैं पेप्सिन होते हैं। प्रोटीन को हमारा शरीर प्रोटीन को पेप्सिन में तोड़कर ही पचाता है। दूध में नहीं पाया जाता तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है नहीं तो पूर्ण आहार का दर्जा इसे 100% मिला था। प्लाज्मोडियम क्या है तो बताओ मलेरिया रोग का वाहक है। चलते हैं मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मूल या अम्लीय का पीएच मान कितना होता है बताओ 6 होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है तो बताओ कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी तो माइकोप्लाज्मा क्या है सबसे छोटी जीवित जो कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है और तंत्रिका कोशिका जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलते हैं नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है तो बताओ न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की जो है क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो बताओ कि माइटोकांड्रिया जो है श्वसन का अंग होता है। पाचन प्रक्रम में किसमें सहायता से होता है तो एंजाइम के कारण से होता है। पाचन प्रक्रम में किस भी सहायता मिलती है तो एंजाइम। खाद्य प्रोटीन दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है तो एक सोयाबीन हो दूसरा मूंगफली। मनुष्य के जीव में किस क्षेत्र में कड़वाहट और संवेदना पाई जाती है तो पिछला भाग में जो है कड़वाहट होता है और आगे वाले भाग में जो होता है मीठा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जीव के बीच में किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग के द्वारा अपघटन की क्रिया किण्वन कहते हैं तो आप बताओगे प्रक्रिया या एंजाइम को प्रक्रिया भी कहा जाता है किण्वन।
दारू शराब कैसे बनाया जाता है, तो फर्मेंटेशन या किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बताओगे विटामिन सी की कमी से होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो बताओ एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। सूखने वाले तेल में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो बताओ असंतृप्त पोषक अम्लों की। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है, तो बड़ी अवट में हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया था, सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, लैक्टोज आप बताओगे दूध। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया है। इटाइटाई रोग किसके कैडमियम के कारण से होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा के युग्म होता है, तो केसिन तथा लैक्टोज जो होता है शर्करा का एक युग्म होता है। नेक्स्ट है पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी होती है, तो बताओगे 200। मछली के एक प्रथम श्रेणी की प्रोटीन है क्योंकि इसमें क्या होता है आवश्यक एमिनो अम्ल किसमें पाया जाता है मछली में। लोह की कमी से, तो कौन सा, लोहे की कमी से एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता या पांडु नामक रोग हो जाती है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या एपो एंजाइम, जो विटामिन बहुत परिवर्ती हैं और पकाने व भंडारण करने के दौरान नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी जो है पकाने के और भंडारण के दौरान नष्ट हो जाता है, इसलिए नींबू गर्म खाने में न डाल के आप ठंडे पानी में पिए तो ज़्यादा फायदा करेगा। चलते हैं आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति या जांचने के लिए किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का प्रयोग किया जाता है आयोडीन टेस्ट। चलते हैं पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। जल में अधिक मात्रा से फ्लोरीन पाए जाते हैं, उसे फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो बताओगे संक्रमण से संघर्ष करना होता है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो बताओ 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। चलते हैं कौन सा हार्मोन रक्त के शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो बताओ इंसुलिन जो है रक्त के शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, तो आप बताओगे शरीर में औसतन, तो बताओ 65 से 70% लेकिन औसतन पूछा तो 65 बताओगे। जिस बीमारी से रक्त का शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे शरीर में को कपाट या वाल्व लगभग कितनी बार खुलते बंद होते हैं, लगभग ये 1,00,000 जो है खुलते बंद होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है 1,00,000। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है किसके कारण से, तो फास्फोरस के रूप के कारण से किया जाता है। विटामिन की खोज किसने, तो बताओ फंक ने किया था। जीनोम चित्रण का संबंध किससे, तो मस्तिष्क के चित्रण से है, जीनोम चित्रण का है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किससे है, तो बताओ चेचक टीके की खोज, चेचक जेनर आप ऐसे करके 2-3 बार कह लेते हैं, तो चेचक जेनर। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो बताओ पायरिया जो है मसूड़ों के से खून आना ही पायरिया, विटामिन सी की कमी से। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, तो लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है तो बताओगे शुतुरमुर्ग के अंडे की। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। आत्मघाती थैली के नाम से किसे लाइसोसोम को नाम जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा, तो बताओ हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किसे नियंत्रित करता है, तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा, तो बताओ थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा, तो बताओ घेघा को ही क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहा जाता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान से हुई, तो बताओ जल से हुई थी। कोशिका का शक्ति गृह किसे, तो बताओगे माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने, तो डी ड्यूबो ने की थी। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी, तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। चलते हैं वयस्क में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, बताओ केंद्रक जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट तथा लामा में ये जो है पाया जाता, लामा यानी खरगोश में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो आरबीसी है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका कौन सी, तो आहार नाल की कोशिकाएं सबसे कम जीवन काल होता है इनका। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो 1% होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या देखिए कितनी बार आया, पेपर में भी जो इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ बार बार। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बताओ यकृत है। यकृत को ही लीवर कहा या जिगर कहा जाता है। भोजन का प्रमुख अवयव क्या है, तो वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन के प्रमुख अवयव हैं।
मनुष्य एक मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 18 बार या सामान्यतः 17 कहा जाता है। पिच्छू में श्वसन किससे करते हैं? फुफ्फुस से करते हैं। जन्म के समय शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? 35 बार प्रति मिनट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में 17 हो जाता है। चलते हैं, श्वसन दर सबसे कम होती किसकी? सोते समय आपकी श्वसन दर क्या होती? कम हो जाती है। हृदय स्कंदन में जांच करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ईसीजी का। और ईजी का मस्तिष्क जा रक्त क्या होता है, रक्त का प्रकृति कैसी होती है? तो आप बताओगे क्षारीय होती है। इस स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो आप बताओगे सिक्स रक्तचाप मापते हैं, यानी बीपी नापते हैं। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए बी में। शरीर की रोगी रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन सा? श्वेत रक्त कणिकाएं। जोहर मूत्र के साथ ग्लूकोज को निकलना किस रोग का उदाहरण? तो बताओ मधुमेह का है। मनुष्य के मस्तिष्क का भाग भार कौन सा? तो एक 1400 ग्राम होता है मनुष्य के, वैसे 1350 एवरेज होता है। कोहनी की संधि क्या होती? कोर संधि कहलाती। कोहनी जो आपके हाथ की कोहनी होती है उसकी संधि को कोर संधि के नाम से। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथ क्या होता है? सबसे छोटी अस्थि तो स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? कान में। सबसे बड़ी अस्थि कौन होती है? फीमर, या इसी को उरू कहते हैं, जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव मेरुदंड की कितनी अस्थियाँ से मिलकर बना है? तो बताओ मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर? 33। अस्थनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? तो बताओ थायरॉक्सिन हार्मोन जो है BMR को नियंत्रित करता है। नारी विकास हार्मोन कौन सा? तो एस्ट्रोजन है। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां क्रिया होती है? तो बताओ जन्म के 4 माह बाद जो छोटा बच्चा रोता है तो उसमें आंसू नहीं गिरते हैं। किस कारण से? क्योंकि अश्रु ग्रंथियां उसमें एक्टिव है। ट्रिपनोसोमा किससे होते? निद्रा नामक रोग हो जाता है ट्रिपनोसोमा से। एबीज क्या है? तो एबीज क्या होता है? उड़ने वाले, जितने उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनको एबीज कहा जाता है। तो उल्लू है, जितनी भी पक्षियाँ होती है सब किसमें? एबीज वर्ग में आते हैं। एनेलिडा जंतु क्या होते हैं? बेलनाकार कृमि होते हैं एनेलिडा जंतु। मछली के हृदय की विशेषता क्या होती है? वो 2 कोष्ठीय होते हैं। चलते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये व्हेल मछली क्या है? तो आप बताओगे 4 कोष्ठीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटनस के लिए कौन सा? तो बताओ DPT जो है टिटनेस के लिए जाना जाता है। और DPT 3 डिप्थीरिया टिटनेस पर्टिटिस तथा टिटनेस 3 बीमारियों के लगाया जाता है। तो बताओ कि DPT। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती? तो बताओ 306 हड्डियाँ होती हैं। मलेरिया के उपचार के लिए एंटीबायोटिक की दवा कौन सी? तो क्लोरोक्विन जो है मलेरिया की दवा के लिए। अभी कोरोना में भी इसका बहुत प्रचार चला था, इसका कोरोना में भी टेस्ट किया गया था, काफ़ी फायदा कर रहा था। ऊँट के गोबर का निर्माण किस उत्सर्जी पदार्थ से किया जाता है? तो वसामय ऊतक से किया जाता है। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन? तो आप बताओ यूरिया है। मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि कौन से? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। चलते हैं, मानव में अंडे का निषेचन कहाँ से होता है? फैलोपियन ट्यूब से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग कि कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करें या तो चैट बॉक्स में करें। चलते हैं, मानव में अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है? तो बताओ फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलते हैं, मानव शरीर की उपस्थित जल की मात्रा कितनी? तो 70-80% जल की मात्रा होती है। चलते हैं, जनन अंगों का सही ढंग से कार्य करने की मदद हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो मतलब मैग्नीज जो है जनन अंगों को कार्य करने के लिए आवश्यक तत्व है। कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? तो कैंसर कहा जाता है। कोशिका या कहते तो ऊतक के अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा। दांतों के इनेमल बनाने में सहायक बनाने वाला सहायक कौन सा? तो होता है फ्लोरीन है। अधिक फ्लोरीन के कारण से दांत पीला हो जाता है। विटामिन डी की कमी से आस्टियो पुरुष बड़े व्यक्तियों में आस्टियोमलेशिया, छोटे बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। टुंडू रोग कैसे? तो आप बताओ गेहूं से। देखिए सब क्वेश्चन बहुत बार, मनुष्य में स्वेद ग्रंथियां की संख्या कितनी? तो बताओ 25 लाख, यानी WBC की संख्या लगभग 25 लाख। माइटोकांड्रिया की संख्या कितनी होती? तो आप बताओ कहाँ माइटोकांड्रिया की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर होती? तो मस्तिष्क की होती। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या? तो बताओ रेटिनॉल होता है। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ ट्रिकोलॉजी कहलाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो बताओ त्वचा होती है। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या? तो बताओ ऑक्सोलेटस होता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग तो अब तो गालिकाए होता है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी? तो अब तो गन्ना जो है अस्था प्रकाश संश्लेषी है। देखिए 500 क्वेश्चन आप पार कर चुके हैं और बहुत कम समय, मात्र 1 घंटे में 500, अगले 1 घंटे और बने रहिए, 600 क्वेश्चन अगले 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। दिल थाम के बैठिए और इत्मीनान से बैठिए। आपको पानी वानी पीना हो तो 500 पे पी लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए वीडियो, लेकिन बंद नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषी कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? गन्ना जो है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करता है और फास्ट करता है। चलते हैं, छुई मुई पादप के पाण स्पर्श से बंद होने पर खुलने की गति को कहते हैं
कर्मानुकुचनी कहा जाता है। चलते हैं, पादप किसके पर्ण से नया पादप जन्म लेता है, तो पत्थर चट्टा से। आप कहते पत्ते से जन्म लेता है, आप पत्थर चट्टा का पत्ता जमीन में गाड़ दीजिए और उसी पत्ते से पौधे निकल आएंगे। मलेरिया रोग की खोज किसने किया था, तो सर रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया की खोज किया था। मानव लेंस में क्या होता, तो उभय उत्तलीय होता है। मानव नेत्र का लेंस क्या होता है, उभय उत्तलीय होता है। मनुष्य में ट्यूमर का पता किसके द्वारा लगाया था, रेडियो आयोडीन के द्वारा लगाया जाता है। राइजोम पदार्थ का भूमिगत क्या होता, तो पता तना होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा, तो बता राइजोबियम जो है दलहन के जड़ में पाया जाने वाला राइजोबियम है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो आप बताओगे जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुँचता है, तो आप बताओगे फ्लोएम के द्वारा पहुँचता है। स्पीड में थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा इत्मीनान होकर बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, तो बताओगे फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने वृद्धि की दर नापी जाती है, तो बताओगे आक्जिनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है, तो 31 जोड़ी जो है तंत्रिका पाई जाती है। सबसे लंबा कृमि कौन सा, तो टेप वार्म जो है सबसे लंबा कृमि है। कपड़ा सुखाने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप बताओगे या तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता, तो बताओगे मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन जो है शाखा है फ्रेनोलॉजी कहलाती है। पौधे का प्रजनन अंग क्या है, तो पौधे का प्रजनन किससे करते हैं, तो पुष्प से करते हैं यानी फूल से करते हैं। चलते हैं फलों का अध्ययन, आप बताओ फलों का अध्ययन क्या कहलाता, तो पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता, तो एंथोलॉजी कहलाता है। देखिए फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, 4-5 बार आप कह लेंगे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। चलते जल में कौन कौन से विटामिन विलय होते हैं, तो जल में बी सी कैसे याद करते हैं, WBC याद कर लीजिए, WBC वाटर में BC ऐसे करके आओ। और जो बच्चे KEDA ये सब ओसामिक घुलनशील होते हैं। चलते हैं सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को बोलते हैं सुक्रोज कहा जाता है। चलते हैं फल की शर्करा को फ्रक्टोज कहा जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट उसे ग्लूकोज ऑप्शन हो जाए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। क्वासियर कर मरासमक किसी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सर्वात कार्बनिक यौगिक कौन सा, तो सेलुलोज जो होता है। चलते प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो बताओगे दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन जो है। दूध की शुद्धता किस में मापती है, तो लैक्टोमीटर में मापी जाती है। दूध खट्टा होता है, तो आप बताओगे जीवाणु के कारण से खट्टा होता है। पेंसिलिन क्या है, तो पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है। चलते हैं अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो उजले वाले सफेद भाग में, सफेद वाले भाग जो अंदर दो भाग होते हैं, सफेद होता है पीला, तो सफेद वाले भाग में प्रोटीन सबसे अधिक होता है। जबकि फैट किसमें पाया जाता है, तो जो पीला वाले पार्ट में फैट पाया। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, एनालजेसी कहलाती हैं। कोबाल्ट किसमें, विटामिन B12 को, इसे साइनोकोबाला मिल्क के नाम से जाना जाता है। सार्स क्या है, तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है, ये पूरा परिवार है। आप बताओ कोरोना किस परिवार का, तो सार्स का है। डॉल्फिन वर्गीकृत किसके में किए जाते, तो अस्तनी में। सबसे बड़ा अस्तनी कौन सा, ब्लू होयल है। चलते हैं रेशम के कीड़े के पालन को कहता सेरिकल्चर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग कहाँ अवस्थित, तो बताओगे हैदराबाद में स्थित। घी वसा की मात्रा कितनी होती है, लगभग 90% वसा की मात्रा होती है। दूध में वसा किससे, तो ब्यूटियोमीटर से प्रयोग किया था, ब्यूटामीटर से किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी, तो बताओगे शुतुरमुर्ग है। त्वचा का रंग किसके कारण से होता है, तो मेलानिन के कारण। आलू की आँखें उपयोगी हैं कायिक प्रवर्धन के लिए, किसके उनके शरीर से ही आँखें निकल आती है, उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, तो चालन का काम करती हैं। ई क्या, गन्ना में प्रायः क्या होता है, तो आप बताओगे कायिक प्रवर्धन संवर्धित करते हैं, इनमें बीज पैदा नहीं होते, गन्ने का कोई बीज नहीं होता, कायिक प्रवर्धन करते हैं। उनके शरीर से आँखें निकल के वो पेड़ पौधे बन जाते हैं। पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करते हैं, जा से जल और जा से जाइलम, पानी को जल भी तो जाइलम, और फ्लोएम फूड का संवहन करते हैं। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है, तो आप क्या बताओ कि पत्तीदार पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अफीम पौधों का उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसे, सूखी रबर
के चीर से एलाइटक्स से कह सकते हो। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व तो क्या सा है, पादप को क्या जरूरत है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। वनस्पति इनके अवशोषण से प्रभावित होती है तो प्रदूषक प्रदूषक गैसों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे साथियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत देर ना करते हुए, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन लाइक करें, और वीडियो जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उस पर शेयर जरूर किया करें जिससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। कोई भी परीक्षा हो कम्पिटेटिव परीक्षा हो सभी के लिए यदि जो विज्ञान आता है तो ये वीडियो आपके लिए जो है बिल्कुल प्रभावी होगी। चलते हैं प्यारे साथियों देखते हैं। वृक्ष की आयु का पता किससे लगाते हैं, तो उनके वार्षिक वलयों को गिनकर। पादपों द्वारा अवशोषित जल और अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो बताओ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, तो बताओ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। चलते हैं जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है, तो बताओगे मिट्टी के कर्षण की एक विधि है। उत्तर संवर्धन हैबर लैडेट ने दिया था, कर्षण की एक विधि किसने दी, तो आप बताओगे हैबर लैडेट ने। किसकी है, किसके रखे जाने से किसमें रखे जाने से कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो आप क्या बताओगे संपरासरण दाबी घोल में रखने से कोशिका जो है आयतन बढ़ जाता है। ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा से बनती है, तो उत्तक त्वचा जन से बनती है। डंबेलाकार द्वारा कोशिकाओं किसमें होती है, तो डंबेलाकार कोशिकाएं कितनी गेहूँ में होती हैं। एकल शशि माछी पुष्पकर्म इनमें देखा गया, तो पापरा में देखा गया है। चलते हैं बहुत जल्दी हम सब 600 क्वेश्चन पार करने वाले हैं। नेक्स्ट है वह मृदुतक कोशिका है जो कोशिका की अजैवीय पदार्थ संग्रह करती है, क्या कहलाती है, तो आप बताओगे आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैक्टस के सूल किसका रूपांतरण है, तो बताओ पत्ते का रूपांतरण है कैक्टस का सूल या कांटा कह सकते हो। सूल मीन्स फर्न की स्त्री धानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बताओगे एक कोशिका पाई जाती है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से सम्मत और अंतर्दिष्ट होती है, तो बताएं सहायक कोशिकाएं होती हैं। चलते हैं प्यारे साथियों। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है, तो रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। साइकस के प्रवाल मूल किस में सहायक होते हैं, तो जल अवशोषण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। आसान गन्ने की लाल सड़न या सड़ांध किसके कारण से, तो कोलोटोट्राइम फेल्डकोटम के कारण से होती है या वायरस वाला बीमारी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी, तो काले मिट्टी या लावा वाली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी या स्वतः जुती हुई मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। चलते हैं सर्वात्रिक किसमें, सर्वात्रिक रक्तदाता वह लोग होते हैं जिनकी रक्त क्या समूह क्या होता है, ओ होता है। ब्लड कैंसर आमतौर में क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहा जाता है। देखिए कई बार रिपीट हुई है। मुख सुधने माउथ वाशों में टूथपेस्टों में कौन सा आमतौर पर प्रयोग किया, हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग किया जाता है धुलने के लिए। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ, तो बताओ चीन। चीन बहुत खतरनाक है, देखो हर चीज़ गड़बड़ काम चीन ही कर रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए खरपतवार को उपयोगी पाया जाता है किसके रूप में, तो आप क्या बताओगे पार्थेनियस और हाथी की घास। हाथी घास लाख बनाई जाती है, एक कीट से जो है लाख प्राप्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके का रासायनिक का नाम क्या होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। बैक्टीरियों में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 जिसमें होता है। इसे बैटरी काम्ल कहा जाता है, गंधक काम्ल भी कहा जाता है। कौन कीटाहारी पादप है, तो ड्रोसेरा जो है कीट को खाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संयुक्त राष्ट्र संघ में पृथ्वी शिखर का नाम दिया गया, तो बता पर्यावरण एवं विकास पर 1992 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर एक प्रदूषण कहा गया, तो बताओ केरल में कहा गया है। चलते हैं जिसकी लाठी उसकी भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है, तो बताओगे डार्विन जी की है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी जो प्रकृति से लड़ पाएगा वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा वही जिंदा रहेगा। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ विलेपन को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो बताओ संपुटन कहा जाता है। ब्रायोस्टेनिक्स और डोलोस्टेनिक्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने के लिए कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक है, तो आप बताओगे समुद्री स्रोत जो है फलदायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव किंगडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो है। पाँचों जो है पाँच जगत किसके द्वारा दिया गया, तो आर.एच. व्हिटेकर को द्वारा दिया गया था। कार्बन पदचिन्ह किस प्रकार का एक
कम किए जाते हैं, तो आप बताओ अपशिष्ट पदार्थ की पुनर्चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष प्रक्रम का प्रयोग करके, सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके, तो ये सब प्रक्रिया के द्वारा जो है किया जाता है। चिपको आंदोलन नेक्स्ट है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित, तो आप बताओ कि वृक्ष से संबंधित है। किससे, तो आप बताओ कि वृक्ष से संबंधित। नेक्स्ट है, नाभिकीय विकिरण के अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर में किस अंग में होता है, तो बताओ कि त्वचा में होता है। रेडियो स्ट्रॉन्शियम 90 का प्रयोग किसके लिए, तो त्वचा कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। चलते हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समन कहा जाता है। प्रकाशानुवर्ती संचरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो बताओ ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैलता का इलाज किया जाता है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन देकर। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किए जाते हैं, तो छींकने के दौरान। विविक्त क्या कहते हैं कि जो बेकार पदार्थ होते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते, तो छींकने के दौरान। प्रकाश संश्लेषण, इसीलिए छींकना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, तो जल निकलता है। चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सा, महाधमनी है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 600 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी, तो महाधमनी है। स्तनपायी धूल के उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, अपरा प्लेसेंटा के द्वारा फेंके जाते हैं। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जाते हैं, तो स्टेम कोशिकाओं के द्वारा या स्टेम सेल्स के द्वारा कह सकते हो। किस धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस नामक बीमारी, कापर से यकृत सिरोसिस नामक बीमारी होती है। पीलिया किससे संक्रमण के कारण से होता है, यकृत में होता है। पीलिया किस में संक्रमण होता है, तो यकृत में होता है। चलते हैं, नेक्स्ट है, अत्यधिक शराब पीने से कौन सी, तो आप बताओ यकृत सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में किसे माना जाता है, तो आप बताओगे न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है। लार किसके पाचन में पहले साथियों सहायक है, तो आप बताओगे स्टार्च के पाचन में। स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप क्या बताओगे मुख से प्रारंभ होता है। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा बीमारी हो जाता, तो मरकरी के विषाक्त से, या तो आप बताओगे, तो आप बताओगे मीना माता रोग हो जाता है। कौन सा उत्सर्जक उत्पाद यूरिक एसिड के उत्सर्जन का कार्य करता है, तो गौरैया या कोई भी पक्षी क्या निकालते हैं, तो बताओगे यूरिक एसिड निकालते हैं, जबकि मनुष्य क्या, तो यूरिया निकालते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुर्दे के निसंदन की इकाई क्या है, या गुर्दे की छोटी इकाई क्या है, तो बताओ नेफ्रॉन होती है। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो बताओ यकृत शरीर के किस अंग को, तो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। पैरामीशियम के उत्सर्जन के द्वारा को किस नाम से जाना जाता है, तो साइटोपायज के नाम से जाना जाता है। यूरिक एसिड किस में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, तो बताओ कि पक्षियों में यूरिक एसिड होता है, जबकि मनुष्यों में यूरिया निकलता है अपशिष्ट के रूप में। अम्लजन कोशिका का अर्थ का स्राव होता है, तो बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शरीर पेट में कौन सा अम्ल निकलता है, तो बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। परागज्वर, परागज्वर क्या है, तो यही एलर्जी वाली बीमारी को ही परागज्वर कहा जाता है। कौन सा, परागज्वर एलर्जी वाली बीमारी को कहा जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलते हैं, किस खाद्य फसल की प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती, तो बताओ सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। कितने परसेंट, तो बताओ कि 42% प्रोटीन पाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग करने से कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसी एक बेंजोपायरिन पैदा होते हैं, जो एक कह सकते हैं कि जहर के रूप में कार्य करने लगते हैं। थायमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं थायमोसिन पैदा करता है। चलते हैं, मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली श्रवण के लिए है, तो बता शंख पाली जो है श्रवण के लिए जानी जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम किसी वस्तु की पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्यों, उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, क्योंकि हमारा आँख क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस पर आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बताओ कि सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क कहा जाता है। चलते हैं, मनुष्य का शरीर कौन सा भाग कभी भी विश्राम नहीं करता, तो आप बताओ हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। जब आंख में धूल जम जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है, तो नेत्र सेलेस्मा, इसी को कंजक्टिवाइटा कह
कंजक्टिवा कहा जाता है। आँख के रोगों को निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया, निकट दृष्टि को मायोपिया जबकि दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आँख के रंग में मौजूद वर्णक किसके कारण होता है, तो शंख सेल के कारण से होता है। कैंसर के उपचार में रडान का प्रयोग किया जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर, तो अब तक मस्तिष्क में पाई जाती है। मेनिनजाइटिस रोग किस में होती है, तो अब तक मस्तिष्क में होता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण अधिक हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है, तो मानव में होता है। चलते हैं। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किस में पाई जाती है, नर काक्रोच में पाई जाती है। पत्ती जैसी ग्रंथि पाई जाती है, तो बताओ नर काक्रोच। मानव मस्तिष्क में कौन सा अंग निगलने और उगलने का काम करता है, तो बताओ कि मेडुला अबलाकंठा काम करता है। इससे अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि क्या होती, तो 0.00 म्यू बार होती है। चलते हैं। जैवक्सन अंग के साथ संबंध, सूंघने वाले अंग को जैवक्सन अंग कहा जाता है, ये याद रखना बहुत सचिन तो बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सस्सी जो तैयारी करें इसको गांठ बांध लें इसको। चलते हैं। अवट या थायराइड ग्रंथ कम काम करने का कारण क्या है, तो आयोडीन की कमी हो जाती है, इसी कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है। हार्मोन आमतौर पर नहीं होते हैं किसमें, तो बिल्ली में नहीं होते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, तो अवट या थायराइड ग्रंथ क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलते हैं। जबकि पायस्रावी तो आप बताओ कि कौन सी ग्रंथि है, तो आप बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि के नियंत्रित करते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। चलते हैं। पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करता है। चलते हैं। शीत ऋतु में पशुओं में प्रसूति काल को क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है। किस उभयचर की जीवा नहीं होती, इथियोसिस फिश के नहीं होती है। लीवर किस में भरपूर होता, मात्रा लीवर में क्या होता, तो लीवर में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निषेचित अंडों की संख्या, महिलाओं में एक मासिक धर्म में केवल एक अंडा निकलता है। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को रिसाव को नियंत्रित करती, तो आप बताओ कि हाइपोथैलेमस करती है। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के लिए अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो अब तक घोर विषाक्त कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है। परियाणिका या क्लाइटेमस किस में पाया जाता है, केचुओं में पाया जाता है, इसको याद रखना है। अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है, तो बाहरी गलफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। प्लूरा किसका आवरण है, तो प्लूरा फुफ्फुस का उदाहरण है। शरीर के किस अंग से खराबी से मधुमेह नामक, तो पैंक्रियाज या अग्नाशय की कमी से होता है। चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा ये बीमारी होती है। थायराइड ग्रंथ का स्थान, थायराइड कहाँ पाया जाता है, बताओ थायराइड जो है गला में पाया जाता है। वायु प्रदूषक सूचक के रूप में काम करता है, तो बताओ लाइकेन किसका, लाइकेन को सैक नाम से, लाइकेन किसका बनता है, तो शैवाल तथा कवक मिलकर बनता है लाइकॉन। टेस्ट ट्यूब बेबी में अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम क्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है, तो आप बताओगे खुला तंत्र का उदाहरण है। चलते हैं। बेबी निकल गया, चलिए सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट है क्या मलजल उपचार के उपयोगों में बायोगैस के बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता, तो गाढ़ा कीचड़ का प्रयोग किया जा सकता है। विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्लोरोफिल के घटकों को अवशोषित करता तो कैल्शियम अवशोषित करता है, तो बताओ कैल्शियम। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन क्या होती, पीढ़ी दर ऊंचे पत्तों को पहुंचने से उनके सतत प्रयास से क्या होगा, तो उनका लंग, जिसे उनका पत्ते नीचे वाला खाते गए तो पत्ते क्या हो गए, खत्म हो गए। फिर उन्होंने और सिर उठाना शुरू किया, ऐसे ऐसे करके उनके सिर की लंबाई क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। चलते हैं। बार बार होने वाली बारिश के प्रकाश के क्षेत्र में विकास होता है, तो मतलब समाना के क्षेत्र में जो सबसे अधिक बरसात होती। चलते हैं। जब पादप विविधता की प्राकृतिक आवास में संधानित किया जाता है, तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं, तो इस संरक्षण को आपको बता दूं क्या कहा जाता है, स्वस्थाने, उनको उसी स्थान पे जो है व्यवस्थित किया जाए, तो उसे स्वस्थाने कहा जाता है। यदि उसके सभी पादप मर जाएं, तो पशु भी इसकी कमी से भोजन नहीं बना पाएंगे और मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है, समुद्री पारतंत्र, वन पारतंत्र और सरोवर पारतंत्र में पाई जाती है। चलते हैं।
कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अब अपघटक कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का प्रभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। चलते हैं, पारिस्थितिकी प्रणाली के प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो बताओगे पादप जो है प्राथमिक उत्पादक है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहा जाता है? निचालक कहा जाता है। नीचे निचालक आप कह सकते हो। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला उत्पादक उपभोक्ता का घटक? पहले श्रृंखला उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक होते हैं। अपघटक जो चीज़ों को सलाह करा देते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, जैसे घास फूस क्या उत्पादक है, उसको खाने वाले उपभोक्ता हो गए, और उपभोक्ता जब मरते हैं तो कीड़े मकोड़े उनको सड़ा के खा जाते हैं, मिट्टी मिला देते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होती है। जल चक्र की अभिक्रिया जल और महासागर की वृद्धि की पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचरण कहलाता। चलते हैं, पशुपालन के साथ खेती क्या कहलाता था? मिश्रित खेती कहलाता है। चलते हैं, हरी खाद इसमें प्राप्त की जाती है, तो अपघटित हो रहे हरे रिप पादप से प्राप्त की थे। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रहने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या है? तो बताओ जैव विविधता क्या है? अनुवांशिक लाइब्रेरी है। चलते हैं, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए गए हैं। योगतम की उत्तर जीवता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने? तो बताओ डार्विन ने दिया था। पत्ती के खम्भ या मृदुत्व को मुख्य प्रकार क्या है? तो बताओ प्रकाश संश्लेषण है, यानी भोजन बनाने की मुख्य क्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण। कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण संभावना युक्त प्रतीत होता? तो DDT। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा के अधिकतम स्थिरीकरण के लिए किसके द्वारा होता है? तो बताओ हरे पौधों में होता है। राजोस्फीयर शब्द किसने किया था? तो हिल्टनर दे दिया था। कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने के पर भी प्रतिवर्ष नहीं होती है? खेती नहीं तो कृषि योग बंजर भूमि खेती योग होने बाद भी प्रतिवर्ष नहीं की जा सकती है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम वनस्पति विज्ञानी ने दिया था, तो आप बताओ ब्रिटिश वैज्ञानिक ने दिया था। चलते हैं, जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या है? तो इकोटाइप्स होता है। चलते हैं, सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि का के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है, यह किस कारण हो रहा है? तो बताओगे समुद्र जल में CO2 की अधिक मात्रा का लेना। चलते हैं, सूत्र कणिका इसे माइटोकांड्रिया का केंद्र क्या? तो वसा का संश्लेषण कहाँ होता? तो माइटोकांड्रिया। किसकी उपस्थिति के कारण पादप जो है कोशिका और पशु कोशिका में अंतर? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका का क्या है? तो आप बताओगे सबसे जीवित को, तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ये गलत लिखा हुआ है। नर सुरा यानी सार्क के आलिंगिक किसके साथ जुड़े होते? तो गुद पक के साथ। कौन सा सांप विष रहित होता? तो अजगर जो है विष रहित होता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपाट पैर वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्क तल पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाने के कारण उसका क्या होता है? दाब कम हो जाता है। तो चलते हैं गैर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। अपनी सुदूर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापन जाति घोषित किया गया है? तो बताओ रसल प्रदाप जो है, या वाइपर जिसे कहते हैं, अपनी सुदूर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला सर्प कौन सा? तो बताओ कि रसल वाइपर है। पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा क्या है? अपने कूबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके। चलते हैं, नियतापी प्राणी, तो चमगादड़ जो है नियतापी प्राणी है। अधिसंख्य प्राणियों के अंतर किन पादपों द्वारा होता है? तो स्थानागत वृद्धि होती है। किस युग का विविध प्रकार की प्रसंचरण तंत्र होता है? तो आप क्या बताओगे काकरोच में जो होता है, काकरोच। चलते हैं, किसके लिए मधुमक्खी का प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन में जो है मधुमक्खी पाई में प्रयोग में। सफ़ेद बाल किसके कारण से होते हैं? तो बताओ वाह त्वचा कोशिकाओं में सीबम का क्षय हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट है, काकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो बताओ काकरोच के लार्वा को निम्फ कहा जाता है। अमाशय में एंजाइम को प्रोटीन में पचाने में सहायक होता है? तो बताओ पेप्सिन जो होता है।
दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन आप बताओगे केसीन, सफ़ेद होता है दूध, केसीन के कारण ही सफ़ेद होता है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप मोलासेस का उपयोग क्या है, तो बताओ एथेनॉल बनाने में। चलते अवयवीय स्थिति को जैविक पदार्थ के जीवाणुओं का अपघटन को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, किण्वनीकरण। शराब किसके द्वारा, तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता, तो जल की कमी या NaCl की कमी कह सकते हो। जीरोथर्मिया की हीन जन रोग हिमोरतौधि के कारण, रतौधि ही जीरोथर्मिया है, विटामिन ए की कारण कमी से होता है। अंतर इंडोस्कोपी, देखिए इंडोस्कोपी क्या है, तो बताओ आहार नाल की भीतर से जांच की जाता है, उसे इंडोस्कोपी कहा जाता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, क्यों खराब हो जाती हैं, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। गाजर में किस विटामिन, सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम तो बताओ कैरोटीन होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। चलते हैं चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि जिंक के कारण होता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो विटामिन डी बनता है। हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब आते हैं। नाइट्रोजनी आहार क्या है, तो प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई, इसीलिए नाइट्रोजनी आहार कहा जाता है। कौन सा पाचन थैली कहलाती, लाइसोसोम जो है तो पाचन कहती है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो उत्तर घेंघा रोग भी हो जाता है। प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं, तो होता है मांस और अंडे जो है प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है किस चीज़ को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है, वनस्पति उत्पाद का। हाइड्रोकोन यानी NaCl किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता, तो पेट की कोशिकाओं द्वारा। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कर्मानुकंचन में सहायक होते हैं। विटामिन ए जो है कहाँ पर संग्रहित होता है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, विटामिन ए जो है यकृत या लीवर में जो है जमा होता है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होते, मांसपेशियों के कार्य करने तथा खून जमने तथा हड्डियों के विकास में सहायक होता है। कौन, कैल्शियम, याद रखना है हड्डियों। दूध का खट्टापन किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड के कारण से होता है, इसमें ए सी लिखा तो एसिड जोड़ दे। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु, तो बताए कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन की प्रतिरक्षा प्रदान कौन करता है, तो बताए फ्लोरीन प्रदान करता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ी में से क्या होता है, खून बहने लगता है। अब बात होती है रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर तथा बीनर ने किया था। रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो बताओ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजन के कारण। रक्त प्रवाह के हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक है, क्योंकि रक्त का प्रवाह बाधा उत्पन्न करता है। चलते हैं आसपास के वातावरण में पशुओं के पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। प्यारे साथियों बहुत बेहतरीन श्रृंखला आपके लिए है, इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप वीडियो लाइक तो जरूर कर दें, और वीडियो को अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर जरूर किया करें। चलते हैं अब आपको बता दूं, मैं ऐसे करके सभी सब्जेक्ट के 1000 से 11 क्वेश्चन ला रहा हूं, और कई सब्जेक्ट के पहले ही चैनल पे अपलोड है, तो उनको भी विजिट करके देख लें। चलते हैं प्यारे साथियों, इस फैग्नोमीटर मैनोमीटर में दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त का दाब मापा जाता है, तो आप बताओगे धमनियों में रक्त दाब मापा जाता है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन कितनी, 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार, 72 बार। किस विटामिन अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 होता है, इसमें B12 कर लीजिए ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार के रक्त दे दिया जाए तो सभी धमनियाँ क्या हो जाएंगी, तो आप बताओगे संकुचित हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है, तो 120 से 200 mg प्रतिशत होता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रक्तचाप या दाब किस में उच्च होता, तो होता है धमनियों में उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, हीमोग्लोबिन किसके किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो बताओ लाल रोधी कणिकाओं का, RBC का। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बद्धता होती है ऑक्सीजन के लिए जो होती है। हीमोग्लोबिन में यह धातु संबिष्ट होती है, बताओ कौन सी, तो बताओ लोहा धातु संबिष्ट होती है। प्यारे साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, इससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है, तो जब हृदय की गति सामान्य से अधिक हो जाती है उसे हृदय क्षिप्रता कहा जाता है। रक्त प्लेटलेट से बीमारू संदर्भ में उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी लग
ब्लटर को थ्रम्बोसाइट भी कहा जाता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों को हृदय से ले जाती, तो फुफ्फुस शिरा जो कह सकते हैं। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी की में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होगी, मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी, यानी स्वच्छ पानी वाली को जो नमकीन पानी में रखा जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है, हड्डी को प्रभावित करता है, अस्थि को। हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ है, कौन सा हिस्सा होता है, ऊपरी कृंतक कहलाता है। चलते हैं, उपाधि तथा हड्डियों के निर्माण का संपोषण आवश्यक तत्व तो कौन सा, तो बताओ कैल्शियम जो होता है सहायक होता है। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं के सबसे कम पुनर्जन शक्ति पाई जाती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुद्भवन या रिपेयरिंग की पावर पाई जाती है। मानव में दो कान होते हैं क्योंकि दोनों कान में से विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। मानव शरीर में कितने छेद होते हैं, तो बताओगे 9 छेद होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में करना कि 9 छेद कौन कौन से होते हैं। पशु किसका आवरित करता है, तो बताओ दंत शिखर को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो मस्तिष्क है। चलते हैं, मस्तिष्क में पाई जाती है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 20। यहाँ पर याद रखना है कितना, 20, यहाँ 20 है, 20 है, पुनः जमते हैं 20। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ POP का प्रयोग किया था, प्लास्टर ऑफ। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता, सांप में कान का पर्दा नहीं होता है। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विषजनी रूप है, तो होता है टिटनस। जबड़ा यानी कि लॉकजा, जबड़ा जम बंद हो जाता है किसमें, टिटनस नामक बीमारी में। हिंदी बहुत देखो कितना टाइट है। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, तो अंतरिम आयु की, ये मनुष्य की अंतरिम आयु को अस्थि भवन जो परीक्षण किया जाता है। पित्रा निकट पाली और बाह्य सरोड़ीय पाली पाई जाती है किसमें, स्तन पाइयों में पाई जाती है। दांतों के क्षय रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड मिलाया जाता है। चलते हैं, साचर कोशिकाओं में सिर्फ किसमें किसमें होती है, तो एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी पाई जाती हैं। बहुगुणित या पॉलीप्लाइड किसमें परिवर्तन होने पर होती हैं, तो बताओ क्रोमोसोम की संख्या पर। बिलगित प्रोटीन की पहचान के लिए हेतु शोषक तकनीक क्या है, तो बताओ पश्चिमी शोषक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता, तो बताओ पिता के शुक्राणु द्वारा होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है निषेचन, और फिर गर्भाशय में किसी पात्र में यानी ट्यूब में निषेचन होता है लेकिन बाद में गर्भाशय में डाला जाता है, इसका मतलब। मानव शरीर में सामान्य कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो बताओ 46 होती है। थैलेसीमिया एक अनुवंशिक बीमारी है या किसको प्रभावित करती है, तो बताओ रुधिर को प्रभावित करती है। चलते हैं नेक्स्ट है, ब्रिटेन में किसे उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति दी है, तो बताओ अनुसंधान के लिए। चलते हैं, एक अनिषेचित मानव अंडे की सामान्यतया होता है यक्स क्रोमोसोम होता है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो माता पिता तथा बलात्कारी और चोर की पहचान की जाती है डीएनए अंगुली छाप। अनुवांशिक यूनिट या जीन होते हैं गुणसूत्रों के क्रोमोसोम में होते हैं, या गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो भी उपलब्ध हो। डीएनए में कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है, तो एक जॉन कहा जाता है। पद जीन किसने बनाए थे, तो बताओ जॉनसन ने, या पद जीन नहीं तो जीन शब्द किसने दिया था, साफ साफ कहना चाहता हूँ, बताओगे जोहनसन ने दिया था। नेक्स्ट है, अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे डीएनए को मास्टर कॉपी कहा जाता है। एक पीढ़ी से अनुवांशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है, तो बताओगे डीएनए के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण को अभिव्यक्त नियंत्रित करता है, तो इसको किस प्रकार कहा जाता है, तो बताओ बहुप्रभावी कहा जाता है। थैलेसीमिया किसका एक फ्रोम विस्थापन का उत्पादन थैलेसीमिया का उदाहरण, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह क्या कहलाते हैं, रिकैल्सी यंत्र कहलाते हैं। एनेस्थेटिक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो आप बताओगे N2O के नाइट्रस ऑक्साइड को एनेस्थेटिक यानी बेहोशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एक ताजे अंडे का नमक में पानी में डालने पर क्या होता है, तो वो तैरता है। ताजे अंडा है, नमक वाले पानी में डालेंगे तो तैरेगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया कलाप कहाँ जलता है, तो होता प्रकाश कि नीले और लाल में होता है, हरे में नहीं होता, इतना ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाले ऑक्सीजन को कहाँ
कहाँ जाती है, तो तय जल के रूप में निकल आती हैं। सामान्यतः प्रयोग में जाने वाली मसाला लौंग का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पकली खाया जाता है। चलते क्लोरोफिल बनाने में मुख्य घटक क्या था, बताओगे मैग्नीशियम है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, बताओगे दूध में लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय डॉक्टर कहा जाता है, तुलसी को शाकीय डॉक्टर के नाम से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया शाकीय डॉक्टर वाला, इसको ध्यानपूर्वक देखें। इस पेड़ को छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट कार्य करता, तो क्लोरोफिल कार्य करता है। एलिफेंटा नहीं एल्फेल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है, तो बताओ घास का नाम है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो पेड़ कौन सा, तो बताओ यूकेलिप्टस है। चलते हैं, और सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास कौन सा, तो आप बताओगे बांस है। वृक्षों से प्राप्त किया जाना प्राकृतिक रूप बुनियादी रासायनिक, तो आप बताओ आइसोप्रिन है। जबकि जो संश्लेषित रबर हो उसे बोलते हैं नियोप्रिन कहा जाता है। क्लोरोफिल की कौन सी धातु, आप बताए मैग्नीशियम धातु। गुच्छ केसी बीज किसके साथ बीज कहा जाता है, तो लंबे बाल को कहा जाता है। चलते हैं, पके हुए टमाटरों का लाल रंग की उपस्थिति किसके उपस्थिति के कारण से होता है, तो कैरोटीनॉइड के। और किस, तो बताओ कि वैसे लाइकोपिन के कारण भी जो है लाल कह सकते हो उसको। चाय की पत्ती में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा, तो कैफीन है। जबकि चाय मुख्य उद्दीपक नहीं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन, बताओ कैफीन हो या तो दूसरा कौन सा है, तो आप बताओगे थीन बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। कोनैन पादप किस, तो बताओगे तने या शाखाओं के छाल से प्राप्त किया जाता है कोनैन। चलते हैं, इसे अवधि बनाए। लैक्टोस में क्या पाया, लैक्टोज किसमें, तो आप बताओगे दूध में पाया जाता है। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में ही केवल एक बार फलते फूलते हैं, तो होता है साकृत फली कहलाते हैं। केवल एक बार फल फूल लगते हैं उसमें साकृत फली कहलाते हैं। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में डायनेमाल किया जाता, इस्तेमाल किया जाता है, तो बताओ वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को। चलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट देखते हैं। जिप्सम का उपयोग, देखिए 800 क्वेश्चन हम सब ने कंप्लीट कर लिया है। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए, बताएं पॉट्स वाले मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। स्वपोषित थायरोफाइटों को क्या कहा जाता है, सहवाल कहा जाता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा, तो होता है सुक्रोज शर्करा, जो टेबल शर्करा है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, तो आप बताओगे फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। खाद्य फसलों में कौन कौन से शामिल है, तो खाद्यान्न दालें और खाद्य तलहन जो है ये सब खाद्य फसलों में आते हैं। चलते हैं, अंतर्वेशी विभियोजक यानी मिरेस्टस में किसमें पाए जाते हैं, तो आंतरिक नोड में पाए जाते हैं। ड्रोसेरा के रोमों की गति को क्या कहा जाता है, प्रकाश अनुकंची। ड्रोसेरा क्या होता है, कीट भक्षी होता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण नाइट्रोजन की मच्छर जो है किससे करता है, तो बताओगे कीटों से करता है। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, पत्तीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अफीम के पौधे किस भाग से हम मारफीन प्राप्त करते हैं, फल आवरण से। तिलहन का खाद्य नहीं, तो बताओ खदान नहीं, तो बिनौला जो है तिलहन खाद्य नहीं है। किस फसल के बीज, किस फसल में बीज उसके बाहर की ओर होते हैं, तो स्ट्रॉबेरी के बीज जो है उसके बाहर की ओर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज जो है प्राथमिक। प्रकंद के उदाहरण किसका, अदरक का उदाहरण जो है। रंध्रमुख या द्वार किसके आवरण के, तो अंतः परागण के लिए होता है। चलते हैं, कृतंक या क्लोन किसके द्वारा प्राप्त इकाई का समूह क्या कला, सूचित संवर्धन कहलाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी कारण से होता है, कारण होता तो कैरोटीन के कारण होता है। वायुमंडल नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्मीय जीवीय विघटन कौन करता है, तो बी नाइट्रीकरण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी किससे प्राप्त होता है, अलसी किससे प्राप्त होता है ये क्वेश्चन। अलसी जो है पौधे से प्राप्त होता है, इसमें क्या है, ये असली कह रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो बताओ सिरकोनों का छाल वाला पार्ट जो है औषधि देता है। कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। मृदा का संबंधित विज्ञान क्या है, तो बताओ मृदा विज्ञान कहलाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है अलसी किससे प्राप्त होती है, इसमें मुझे भी इसका जो है उत्तर नहीं आ रहा है, बाद में कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। चलते हैं, मृदा का संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी, क्या किसमें पाया जाता है, बताएं मटर में पाया जाता है। इनमें से कौन सा स्वयं डुप्लीकेट करने के लिए स्पाइन मैकेनिज्म अपनाता, तो बताएं अंडर स्टोरी। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन सा है? तो बताओ हरे पौधे जो होते हैं सबसे बड़े यौगिक कारक होते हैं। अब बहुत ही होती इसमें कुछ क्वेश्चन फर्जी के जुड़ गए तो उनको आपको ध्यान नहीं देना है। संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? तो रोग युक्त जीव के प्रवेश के रोकने से। ये सब कभी नहीं आते, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकाश क्या होता है? तो बताओगे बांस होता है सबसे मोटा। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या है? तो बताओ कौमिक कलिका है। ये सब कभी क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं। वनस्पति तेलों में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हो जाता है कि वनस्पति तेल परिवर्तन क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। पौधों में रस का आरोहण किसके माध्यम से होता है? तो बताओ जाइलम के। जल का जाइलम से, रस का जाइलम से होता है। किसी किसी पौधे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे में ऊतक होता है फ्लोएम कहलाता है। खाद्य ऊतक क्या होता है? तो फ्लोएम कहता है। फूड ऊतक कहते तो फ्लोएम कहलाता है। खाद्य परिच्छेद के रूप में पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है फलों के रसों के लिए। सैक या लाइकेन क्या है? तो सहजीवी है, साथ जैसे कवक और शैवाल एक साथ जीते, इसीलिए इनको शैवाल कहा जाता है। चमड़ा उद्योग पौधों से प्राप्त होने वाला चीज को क्या कहा जाता है? तो टैनिन कहा जाता है। चलते हैं पादों के मूल रोमों की मूल भूमि क्या क्या होती है? मृदा से खनिज लवण को क्या करना? अवशोषित करना होता है। पत्तियों में वह छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर द्रव जल रिसाव होता रहता है? उसे बोलते हैं स्टोमेटा कहा जाता है। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो यूफा विरेसी के द्वारा, या बायो इसे बोलते हैं जेट्रोफा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कीट बच्छी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस की कमी होती है? तो बताओगे नाइट्रोजन की कमी होती है। पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण से होता है? तो कैरोटोनाइट के कारण से होता है। चलते हैं बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित करती? तो एबीसिस को नियंत्रित करती है। चलते हैं अमर बेल क्या है? तो अमर बेल क्या है? परजीवी है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में को क्या कहा जाता है? तो उच्च अनुपात कहा जाता है, असंतृप्त वसामल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक हैं, इसको आप छोड़ दें तभी। जैसे ये है, यहाँ से देखिए गैर हरित विषम पोषित कौन से होते हैं? तो बताओ कि फंजाई होते हैं। नेक्स्ट है पादप गृह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा को उपस्थित के कारण होता है? तो बताओगे मीथेन के कारण से होता है। पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? आत्पोभिद कहलाते हैं। पद था, भिद होता तो ज़्यादा करेक्ट था। चलते हैं कोशिका किसके कारण से स्फीत हो जाती है? तो अंतः प्रसरण के कारण जो स्फीत हो जाती है। इसमें कुछ है तो इसको आप इसको पढ़ लीजिए, कुछ चीज़ें इसको फास्ट करवाना तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं उन्हीं देख लेते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, इस पेज को पढ़ना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए रुधिर प्रतिस्थान तंत्र की बात पहले ही भी की जा चुकी है। देखिए अब ये है, देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या मिल गया आपको, किसकी मजबूती कारण रक्त नहीं जमता? तो बताओ हीपायरिन की मजबूती कारण। अब ये नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल प्लाज्मा की प्रतिशत कितना? प्लाज्मा का प्रतिशत इसमें करेक्ट है, हमने कहीं 90% बता दिया था ब्लड में प्लाज्मा का मात्रा, नहीं 55 ही होगा, तो ये 55 करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का मात्रा कितना? 90% होता है, ये बताना था लेकिन हमने कुछ और बता दिया था, 55 से 60 कह सकते हैं। किसकी मौजूदगी कारण शरीर में के भीतर रक्त नहीं जमता? तो आप क्या बताओ हीपायरिन के कारण नहीं जमता है। कालाजार किससे फैलता? तो सिकता मच्छी से फैलता है। रक्तचाप किसका अधिक रसराव होने के कारण बढ़ता है? तो थायरॉक्सिन के कारण से। प्राकृतिक कोलाइड कौन से? तो रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। कैंसर के उपचार को क्या कहा जाता है? तो कीमोथेरेपी नाम से जाना जाता है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कब हुआ था? तो 1967 में किया हुआ था। यूकेलिप्टिस के वृक्ष की अधिक संख्या कहाँ पाए जाते हैं? तो मिजोरम के मिजो की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। समुद्र रोग यानी सी सिकनेस जहाज की गति को किस प्रभाव के कारण से होता है? तो उदर पर यानी कि पेट पर प्रभाव पड़ता है समुद्र रोग। कैंसर के निदान के लिए कौन सा परीक्षण की सहायक है? तो आप बताओगे जीवित प्रतीक्षा या बायोप्सी पर परीक्षा किया जाता है। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी कहा जाता है। खेत की फसलों का अध्ययन को बोलते हैं एग्रोनॉमी कहा जाता है। रोगों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी कीट कौन सा? तो वेक्टर होता है। होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हनीमैन है, हनीमैन होता है ज़्यादा, हमें ये गलत लिखा हो थोड़ा सा, हनीमैन करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। टॉक्सियोलॉजी का संबंध किससे? तो बताओ विषों के अध्ययन से है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने की प्रयुक्त भाषा क्या है? तो होता है लैटिन भाषा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उसे भोजन के माध्यम से नहीं है जिसका तापमान कितना? 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है,
बर्ड फ्लू H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कहाँ कब लगाया था, तो 1997 में लगाया था गया था। अमीबा पेचिस होता है एंट अमीबा हेस्टोलिटिका के कारण से होता है। च्युइंगम बनाई जाती है लेटेक्स च्युइंगम बनाई जाती है, पता है रबड़ होता है जिससे च्युइंगम बनता है। नारा नारा दो बूंद जिंदगी का कार्यक्रम किसके है, तो पल्स पोलियो का है, दो जो जिंदगी के लिए पल्स पोलियो। मधुमक्खियों के प्रजनन के प्रबंधन का कार्य क्या है, एपीकल्चर कहलाता है। ICUN का संकटा पर जीवों के कितने वर्गीकृत किया गया, तो 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पीछे की ओर उड़ सकता है, तो अब पीछे की ओर उड़ता है तो पता गुंजन पक्षी है, इसी को सबसे छोटा पक्षी भी कहा जाता है, इसे हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक बहसराय द्वारा किए जाने वाला जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा अप्रतिम प्रभावी है, तो आप बताओगे एलिफेंट ग्रास और पार्थेनियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया शीर्ष पर्वतीय कौन था, बताओ ढोल जो है बिलोपन के उस पर है। चलते हैं पर्यावरण प्रदूषक को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी के उपचार करके जो है पर्यावरण प्रदूषक को रोका जा सकता है। वैश्विक तापन के लिए किस घटना के संबंधित संभावना का है, तो बताओ एल नीनो की घटना। चलते हैं यदि मलजल पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे नाइट्रेट के रूप में। अपशिष्ट जल उपचार के रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या है, तो वातन टैंक मतलब जो ठंडा करने वाला टैंक होता है। पर्यावरणीय जागरूक अंग्रेजी अक्षर चा से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन सा है, पा से आधा, तो आप बताओगे पॉपुलेशन, पावर्टी और पी से, यहाँ पर लिखना है पी से प्रारंभ होने वाले लिखना था, पॉपुलेशन पावर्टी पता था पॉल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विभिन्न देशों द्वारा हस्तांतरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो स्वच्छ पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन से है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित, तो बताओ वर्गीकरण से ही संबंधित। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया, तो बताओ कि व्हिटेकर ने किया था। चलते हैं किसी जलाशय को संपोषण किसकी समृद्धि करता है, तो बताओ जैव पदार्थ और जैव ऑक्सीकरण की मांग को प्रदर्शित करता है। प्राणी नाम पद्धति अंतर्राष्ट्रीय आयोग कब स्थापित किया गया, तो 1895। वह कौन सा गैस पादप है जो हरित गृह गैस के मुख्य उत्तरदायी है, तो बताओ कि जलवाष्प है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्य क्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन सा, तो आपके शल्य क्रिया के द्वारा तो उसका नाम सीजर ही था। चलते हैं भारत के कुछ भागों में पेयजल का कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, तो आर्सेनिक फ्लोराइड तथा यूरेनियम पाए जाते हैं। संसार का सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन सा है, तो हॉलस्टीन फाइब्रिजिन भैंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ, तो बेंगलुरु में है। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा है, आप कह सकते हैं खाने वाला सोडा कह सकते हो। क्योटो प्रोटोकॉल यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय के लिए देशों के बीच करार को कहा जाता है। प्रशोधन किस स्थिति में बढ़ता है, तो जब गर्म और शुष्क और हवादार हो। प्रशोधन मतलब पसीना कब ज़्यादा निकलता है, जो गर्म हो शुष्क और हवादार स्थिति में किस स्थिति में बढ़ता है। चलते हैं नीली क्रांति किससे, तो मछली उत्पादन से है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस से संबंधित मामलों को देखता है, तो पर्यावरण संरक्षण तथा वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। अधिकतम ऑक्सीजन किस में उपलब्ध होता है, तो पादप लवक में जो है प्रदर्शित। अगस्त बीज मैन ने क्या प्रस्तावित किया था, जनन द्रव्य को प्रस्तावित किया था। चलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन किसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना था, तो बताओ ग्रीन पीस। चलते हैं अत्यधिक किरण से क्या यह अपशिष्ट जल ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति क्या कहलाती है, अत्यधिक किरण कहलाती है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले श्वसन परीक्षण के यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। श्वसन प्रक्रिया क्या है, तो एक प्रक्रिया को चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ पर होता, तो मेडुला ऑब्लिकंटा में श्वसन कार्य का नियंत्रण होता है। चलते हैं रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 19 कारण कौन सा केस कैंसर हो जाता, तो होता है त्वचा कैंसर। मछली का ईयर यानी वायुआशय किस रूप में कार्य करता है, तो बताओ कि सहायक श्वसन तथा द्रव स्थैतिक अंग के रूप में कार्य करता है। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उनका श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है,
यानी कि उनके सभी छिद्र के माध्यम से लेता। मनुष्य की ध्वनि सामान्य अधिक सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता ध्वनि के सामान्य कितना है? तो बताओ कि सामान्यतः यहाँ पर 60 होना चाहिए, 60 नहीं 45 है, और अधिकतम यहाँ पर कितना होना चाहिए? अधिकतम जो है 90 तक सुन सकता है, यहाँ गलत दिया होता, चलते हैं, सह सकता है, चलते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण के मॉनिटर करता है? तो बताओ लाइकेन जो है। लाइकेन किसके में था? कवक तथा शैवाल से मिलकर बनता है। वह प्रदूषक विभव वायु संचार गुणांक कितना होने के पर बढ़ जाता है? तो बताओ कि 6000 मीटर प्रति स्क्वायर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण किनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों की क्षति पहुँचती है? तो इनका उन्होंने किस रूप में किया था? 2.5 PM के रूप, पार्टिकल पर मिलियन होता है। प्रवेश हास कितनी होने के प्रवेश वायु स्थिर रहती? तो आप बताओगे सब एडियोबायोटिक्स, कुछ को आप देख लीजिए ऐसे ही मैं दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट अब चलते हैं, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए गए हैं? तो बताओ फेरोमैन। फेरोमैन क्या चीज़? आप देखते हो मकड़िया एक लाइन से या चींटी एक लाइन से जा रही, तो फेरोमोन नामक जो है हार्मोन स्रावित करती हैं। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? वसा ऊतक में जमा होता है। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। मूत्र का असमान घटक क्या है? तो एल्ब्यूमिन है। पित्त का स्रोत क्या है? तो बताओ यकृत है पित्त का स्रोत, चलते हैं। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आप बताओगे नेफ्रोन जो है गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है, चलते हैं। कला और शिल्प के प्रयोग में किए जाने वाला रसायन एनीमिया तथा ल्यूकेमिया हो सकता है, तो एल्ड्रिन में, चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से? यूरोक्रोम के कारण से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं सिरोसिस नामक बीमारी से। स्तनधारी में यूरिया कहाँ पर बनता? तो गुर्दे या किडनी में, चलते हैं। गुर्दे गुर्दा नहीं लीवर में कह सकते हैं, यकृत में, चलते हैं। लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है? तो यूरिएज एंजाइम। मसूड़ों में रक्त स्राव को कौन रोकता है? तो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है रक्त स्राव, तो बताओ एस्कॉर्बिक अम्ल से कमी से एस्कॉर्बी नामक बीमारी हो जाता है। अग्नाशय में कौन सा रस निसृत करता है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो बताओगे अग्नाशय से। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने वाले पानी के स्रोत से दूषित कर दें तो कौन सी बीमारी है? तो टाइफाइड बीमारी हो जाएगी। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कौन सी चीज़ की कमी होती है? तो कैल्शियम तथा आयरन की कमी हो जाती है गर्भवती महिलाओं में, चलते हैं। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, चलते हैं। प्रेरक कौशल मस्तिष्क कौन से भाग को साथ संबंधित? बताओ ललाट भाग के। स्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो कान में होता है। ग्लाइकोमक कौन सा रोग है? तो नेत्र रोग है ग्लाइकोमक, चलते हैं। ड्राइविन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो बताओ तंत्रिका कोशिका है, चलते हैं। स्तनपायी जीव की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना मानव शरीर को गर्म रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो लसिका वाहिनियाँ। पीयूष ग्रंथियाँ शरीर के किस स्थान में स्थित होती है? तो बताएं मस्तिष्क में जो है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, चलते हैं। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? तो होता है तंत्रिका कोशिका में जो है कोई विभाजन नहीं होता। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है उसके किस अंग के ऊतकों की मर जाने से? तो मस्तिष्क के ऊतक मर जाने पर उसकी जैविक मृत्यु, भले उसकी सांस चल रही हो, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो बताओ मेरु द्वारा किया जाता है, या मेरु रज्जु जिसे कहते हैं, या इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हो। अल्जाइमर रोग होता है या मस्तिष्क के विकार से होता है, चलते हैं। आदमी के ठंडे कंठ के किस प्रकार की ओ2 उदारता पाया जाता है? तो थायराइड उपास्थि पाई जाती है। सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषम पाली पूंछ पाया जाता है। फुफ्फुस, देखिए फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फुफ्फुस वायुवरणीय गुहिका में होते हैं। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने से बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो ऊँट चाहे जितना नमक खाए तो उसमें उच्च रक्तचाप नहीं होता है, चलते हैं। नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु को सबसे छोटा आकार क्या है? तो बताओ 100 माइक्रोन होता है। निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे? तो बताओ आँख से संबंधित है। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजन आ जाता है? तो दृष्टि पटल में सूजन आ जाता है, चलते हैं।
हमारा शरीर रोज रोग जनकों के लिए विरुद्ध प्रतिजन कहाँ बनते हैं, तो आप क्या बताओगे? लसिका कोशिकाओं या थायमस में बनते हैं, चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो बताओ यकृत क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, चलते हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा है, तो बताओ यूट्रस जो है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक में जल का विसर्जन होता है, तो बताया अश्रु कराई ग्रंथ के कारण या लैक्रिमल ग्रंथ से। सरल गलगंड इनको प्रभावित करने वाला बीमारी है, तो बताओ थायराइड ग्रंथ को, चलते हैं। एक पक्षी के पंख तथा कीट के ऊपर क्या होते हैं, तो बताओ समवृत्ति अवयव होते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण क्या है, तो ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन के रूप में कार्य करता है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक दवा है, तो प्रोजेस्टेरॉन है। कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा वैसे ही शामिल कर लेंगे, तो उनको आप हम छोड़ देते हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। अब यहाँ पक्षियों और कीटों में कैसे, ये सब भी नहीं आता। अब यहाँ पर हमको देखना है कौन से वच गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, तो बताओ थायमस ग्रंथि पाई जाती है। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है, तो शैवाल तथा कवक के बीच का है। शैवाल को फलने का क्या कारण है, तो बताओ सुपोषण जो है इनका कारण होता है। शैवाल के फलने का कारण क्या है, सुपोषण हो गया। अजैविक अवकर्मणीय कचरे को निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो पुनर्चक्रण है। प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता, तो बताओ ऑक्सीजन निकलता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषण करती है, तो बैगनी और रक्त को, बैगनी तथा लाल रंग को, चलते हैं। इसको यहाँ रक्त की जगह लाल कर लीजिए तो करेक्ट हो जाएगा। ऊतक समंदर का सही वर्णन कौन सा होता है, तो बताओ उद्यान कृषि के फसलों का विकास और प्रसार जो होता है, ऊतक समंदर का सबसे सही वर्णन है। योगतम का उत्तर जीविता का सिद्धांत या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था, तो डार्विन साहब ने दिया था। हमारे छोड़ी गई सांस की हवा को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो बताओ 4% हमारे, जबकि लेते कितना है 0.003% लेते हैं। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा क्या है, तो 1% जो है आरओ श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों का आवश्यकता होती है कितना, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण की किसकी जरूरत होती है, तो बताइए धूप तथा जल और परणहरित की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। वनस्पति जगत को किसके जल स्थल यानी उभयचर कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, वनस्पति कहा जाता है, चलते हैं। वायुमंडल किस के प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड NO2 तथा SO2 के कारण से। जिस ठोस अवशिष्ट का पुनर्प्रयोग या पुनर्चक्रण किया जाता है उनको निपटने के लिए प्रक्रिया क्या, जमीन में भरना या भस्मीकरण या अपघटन या गैसीकरण किया जा सकता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत क्योंकि इसमें क्या कम होता, तो इसमें आर्सेनिक कम होता है, चलते हैं। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। सीमा पार मतलब दूसरे देशों में अम्ल वर्षा ज़्यादा होता है, भारत में कम होता है। ग्रीन हाउस गैसों का अवधारणा किसने दी थी, तो जोसेफ फ्यूरर ने जो है ग्रीन हाउस गैसेस की अवधारणा दी थी। गैसों के समूहों को कौन सा हरित प्रभाव का योगदान करता है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन करता है। प्रवाल भित्तियों और संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने किस समुद्री पाक घोषित किया, तो कच्छ की खाड़ी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, जैव मंडल में प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है, तो बताओ जैविक स्रोत कहते हैं जिसमें जीवन होता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि क्या होती है, पौधों के द्वारा क्या होती है, छोड़ी जाती है। घटती उत्पादनशीलता के क्रम को पारिस्थितिकी तंत्र का क्रम होता है, तो मैग्रोव घास मैदान तथा झील तथा सागर, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, जल संवर्धन कहा जाता है। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोनिक कहा जाता है या जल संवर्धन कहा जाता है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण है, तो बताए संगठापन पादप तथा जीव जंतु का किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था, तो एजी टंस ने। इको तंत्र ट्रांसले आप कह सकते हो, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, जो प्राणी अपनी आँखों के रूप में
ध्वनि का इस्तेमाल करता है तो क्या कहते हैं उसे, चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ अपने शिकार को कैसे, तो परास्रवित तरंगों के द्वारा पता कर लेता है। चींटी अपने चारों ओर वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी संयुक्त आँखें होती हैं। ऊंट मरुस्थल के जानवर हैं जो कि कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं क्योंकि पानी की जरूरत नहीं होती। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर के पानी बन जाता है। उसके जठर, ल्यूमेन और भित्तियों में जलकोश होता है। देखिए उसमें क्या, वसा के ऑक्सीकरण से जो है क्या होता है, जल बन जाता है। मोहर लगाने में काम आने वाली लाक का उत्पादन कौन करता है, तो बताओगे कीट करता है। मोहर जो आपके मोहर वाली स्याही होती है, इसे लाक से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को संबंधित जैविकी शाखा को क्या कहते हैं, तो बताओ साइटोलॉजी कहा था। डायनासोर थे सरीसृप जो लिप्त हो गए हैं। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं, तो बताओ उभयचर में। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाते हैं। चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो बताओ प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं। चलते हैं, इस पृथ्वी पर अपमार्जक कौन है, तो बताओ जीवाणु तथा क्या है अवक कवक, क्या है अपमार्जक के रूप में या अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। जलीय जीव को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम भूली हुई ऑक्सीजन कितनी होती है, 4 से 6% होनी चाहिए। कुपोत दुग्ध का उत्पादन कौन करता है, तो बताओगे स्तनधारी जो है दूध का उत्पादन करते हैं। किस भयलंग पशु के नर निषेचन किया जाता है, तो बताओ हाइड्रा में नर निषेचन पर निषेचन होता है। चलते हैं, मधुमक्खी पर पुमधुम ड्रोन होते हैं, तो बताओ जनन में। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहा जाता है, तो आप बताओ कि मूगा चट्टान कहा जाता है। जीवित कोशिकाओं में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक के द्वारा लगाया जाता है, तो बताओगे स्वविकिरणी चित्रणधर्मी रेडियोग्राफी के द्वारा पता लगाया जाता है। किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है, निम्नीकरण क्षेत्र है, जैव निम्नीकरण क्षेत्र है। जब हम छुई मुई को छूते हैं तो क्या वो कर्मानुकंचित गति हो जाती है उसमें से, चलते पत्तियां बंद हो जाती हैं। अंगोरा ऊन किस पशु से, तो बताओ खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किस से, तो बताओगे खरगोश से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं, उभयचर शब्द का अर्थ है, तो जो थल और जल दोनों पर, दो जीव प्रकार जीवन से है, मतलब जल पे भी रह सकते हैं थल पे भी रह सकते हैं। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व मिलता है, तो बताया आयोडीन मिलता है, शैवाल में आयोडीन मिलता है। किसकी मौजूदगी कारण पक्षिया कीटों के पंखों में पानी बह जाती है, तो बताया मोम। चलते हैं, बील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, बील्स रोग में किडनी प्रभावित होती है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण से होता है। लोहमैता एक रोग है जो श्वास के साथ अंदर ले जाने से होता है, तो बता धोल लोह धोड़कर से होता है, जहाँ लोह के फैक्ट्रियम में लोहमाता नामक बीमारी हो जाती है। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया के रोग के लिए कारण है, तो बता कोकाई बैक्टीरिया होता है। अगर कचरा पीने के पानी से मिल जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगी। गंदे पानी से कौन सा, तो बताओ टाइफाइड। नियासीन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पिलाग्रा हो जाता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसे, तो प्रोथ्रॉम्बिन बनाने में होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो इसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वह शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं, तो विटामिन ए तथा डी जो है अधिक, इनको ज़्यादा संग्रहित नहीं करना चाहिए। यक्ष्मा या इसी को टीबी कौन सा औषधि प्रयोग में लाई जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग में लाई जाती है। रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं, तो बताएं प्रतिजन या एंटीजन निस्तारित करते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का खोज किया था। जोनास साल्क ने किसका, तो बताएं पोलियो का खोज किया था। जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता, तो बताएं शूद्र कणिका माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। चलते हैं, नवजात शिशु में 3 टीके लगाए जाते हैं, DPT का टीका जानते हैं, डिप्थेरिया कुकुर खांसी के लिए, टिटनेस के लिए DPT। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया। ये सब किसी को आप दूषित रक्त देते, आपके पास HIV है तो दूसरे को रख देंगे, उससे भी जो है ये बीमारी। वायरस द्वारा पैदा होने वाला रोग कौन सा, तो बताए जुकाम जो है राइनो वायरस से होने वाला बीमारी है। चलते हैं, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर
सुप्रभावित होने की कमी से होती है तो उसका नाम क्या है, तो इंटरेरॉन होता है। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने के कारण होती है, डबल रोटी नरम और स्पंजी बन जाती है। नेक्स्ट है, मक्खी में कौन सी बीमारी आंत्रजोर जो होती है मक्खी से ही फैलती है, टाइफाइड जिसे आंत्रजोर कहते हैं, मक्खी से कौन सी बीमारी होती है तो आंत्रजोर, कह सकते हो गंदी पानी, गंदे पानी में मच्छियाँ बैठती हैं उसी को आपके ऊपर बैठ जाती है, फिर जो ये बीमारी फैल जाती है, या गंदे पानी पीने से भी बीमारी हो जाती है। चलते हैं, एड्स देने वाले वायरस को पहचान की कब हुई, तो 1893 में हुई थी। डीपीटी वैक्सीन अभी बात हो चुकी है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। चलते हैं, लाइन अभी बने रहे हैं, अभी क्वेश्चन और भी हैं। देखिए लास्ट चल रहा है, आपको धैर्य बनाने के लिए धन्यवाद, कितना देर से आप वीडियो देख रहे थे। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते, तो बताओ लिम्फोसाइट को नष्ट करते। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक कौन सा, मैदा और खमीर जो है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक। गेहूं का धब्बा किसके कारण से होता है, तो एस्टिगोट्रिटिकस के कारण होता है। पशुओं का पशु महामारी रोग कौन सा, विषाणुओं द्वारा फैलता है। तालाबों और कुओं में क्या डालने से मच्छर नियंत्रित होते हैं, तो गंबूसिया मछली जो होता है तालाबों में डालने से वहाँ पर जो मच्छर होते हैं नियंत्रित हो जाते हैं। बिडाल टेस्ट, टाइफाइड की जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। रोगाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, तो आप बताओ कि आबिस होते हैं। चलते हैं वैसा थी, मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है, तो बताओ पारा की अधिकता के द्वारा होता है। तितलियों का अध्ययन लेपिडोडेटरियोलॉजी कहलाता है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ, तो तलवे पे होती है। खाने योग्य कवक क्या है, तो एगैरिस जो है एक प्रकार का खाने योग्य कवक है। जो क्वेश्चन आपको ना रहा हो या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसको लिख जरूर लिया करें। हल्दी के कौन से भाग, तो बताओ प्रगंध। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया, सबसे छोटा कौन सा, तो बुल्फिया होता है। चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होती है, तो बताओ क्लोरोप्लास्ट की। या चलते हैं, तितली की आंखें किस कारण से रात में चमकती हैं, तो टेपटम लुसिडम के कारण से चमकती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती, तो 8 अस्थियाँ होती खोपड़ी में, लेकिन सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं आप कह सकते हो। लेकिन सिर का हम थोड़ा सा विभाजन आप दिखा दें, सिर में टोटल 29 होती, तो कैसे 29 होती हैं टोटल, अभी 14 किस्में होती, तो बताओगे फेस में, फेस यानी चेहरे में, चेहरे में कितनी होती, 4 से चेहरा, 4 से 14 होती हैं। खोपड़ी में 8 होती है, और उसके बाद कान में, कान में कितनी होती, तो कान में आप बताओगे 6, गले में कितनी, तो गले में 1, देखो जोड़ोगे तो सब टोटल 29 हो जाएंगी। खोपड़ी में कितनी, तो आप बताओगे, चेहरे में 4 से चेहरा, 4 से 14, कान में कितनी, 6, और गले में कितनी, तो आप बताओगे 1 होती हैं। तो इतना आपने विभाजन देख लिया है। चलते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है, तो बताओ एमिनो अम्ल में बदलता है। इकोलॉजी का संबंध किससे होता है, तो इसमें वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण तथा प्रकृति संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।